वाटर मैनेजमेंट इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैप्टर 13 जो है। सबसे पहले इरिगेशन क्या होता है, तो इरिगेशन एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर होता है लैंड में। आर्टिफिशियल सप्लाई बोले, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन बोले, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर होता है लैंड में ग्रो फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। जब हम क्रॉप को ग्रो करने के लिए कोई आर्टिफिशियल बाहर से वाटर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। और अकॉर्डिंग टू इजराइलसन और हैंसन के द्वारा 1962 में उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर होता है लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर, इसमें हम लोग मॉइस्चर को सप्लाई करते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इरिगेशन। तो इरिगेशन सिंपली क्या है, इरिगेशन होता है आर्टिफिशियल सप्लाई, जब हम लोग बाहर से कोई पानी देते हैं या बाहर से कोई मॉइस्चर देते हैं प्लांट को उसके ग्रोथ के लिए। फ्री एनर्जी और गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या है, फ्री एनर्जी कोई ऐसा एनर्जी जो फ्री है, मतलब कहीं पे भी मूवमेंट कर सके, नॉर्मली कहीं पे भी मूवमेंट कर सके, जिसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं। और फ्री एनर्जी जो कि सैचुरेटेड सॉइल का रहता है वो हमेशा जीरो रहता है, बट अनसैचुरेटेड सॉइल का वो लेस देन जीरो रहेगा, यानी नेगेटिव में रहेगा। तो कोई भी फ्री एनर्जी जो होता है वो जीरो क्यों रहता है सैचुरेटेड सॉइल में। सैचुरेटेड सॉइल मतलब ऐसा सॉइल जिसमें जितने भी पोर्स स्पेस है, जितने भी पोर्स स्पेस है, जैसे कि ये सॉइल है, सॉइल में जितने भी पोर स्पेस है वो सारा का सारा पूरा फुल्ली फिल्ड रहे वाटर से। जब सारा पोर्स वाटर से फिल्ड रहेगा तो उसमें स्पेस नहीं होगा वाटर को मूवमेंट के लिए, तो उसमें फ्री एनर्जी हमेशा जीरो होगा। लेकिन जब भी अनसेचुरेटेड सॉइल रहेगा, मतलब पोर्स कोई होगा जो वैकेंट होगा, खाली होगा, उसमें ना वाटर होगा ना तो एयर होगा, या तो एयर होगा खाली वाटर नहीं होगा, तो उस केस में जो कि नेगेटिव होता है गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी। मैट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये वैसा पोर्शन ऑफ टोटल वाटर पोटेंशियल होता है जो कि एट्रिब्यूटेबल रहता है, मतलब कि उसे डिराइव होता है, उसे निकलता है, किसे निकलता है वो वाटर पोटेंशियल जो कि सॉइल कोलाइड मैट्रिक से, और सॉइल सिस्टम का जो मतलब पूरा जो सॉइल रहता है उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स रहते हैं, सॉइल सॉलिड रहते हैं, जो सॉइल कोलाइडल जिसको बोलते हैं, उससे जो निकलता है पोर्शन ऑफ टोटल वाटर पोटेंशियल, उससे जो वाटर पोटेंशियल निकलता है उसी को मैट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल होता है जो कि किससे होता है, कैपिलरी और एब्जॉर्प्टिव फोर्स से होता है ऑफ सॉइल मैट्रिक, सॉइल मैट्रिक, सॉइल सिस्टम, सॉइल सॉलिड से। सिंपली क्या होता है, मैट्रिक पोटेंशियल जैसे कोई सॉइल पार्टिकल से, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल है, वो सॉइल पार्टिकल जब कोई वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उसमें एब्जॉर्बसन को ही उसमें, तब उसको वाटर पोटेंशियल आता है। जैसे थ्री टाइप ऑफ वाटर था, एक रहता था हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर कैसा वाटर रहता है, ऐसा वाटर जो सॉइल वाटर, सॉइल पार्टिकल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे वो छोड़ता नहीं है, टाइटली एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे वो छोड़ नहीं पाता है, जो उसको प्लांट के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होता है। कैपिलरी पोटेंशियल क्या हुआ, ऐसा जो कि एब्जॉर्ब कर लिया है तो वो तो बाहर या तो एब्जॉर्ब किया हुआ है सॉइल पार्टिकल में, एब्जॉर्ब किया हुआ है, या तो वो वाटर वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ है, या तो कोहेसिव फोर्स लगा हुआ है, या तो वो अगर एडहेसिव फोर्स भी लगा हुआ है तो उसमें वो सॉइल पार्टिकल के बाहर में एब्जॉर्ब है जो कि प्लांट के लिए इजीली अवेलेबल है। इसमें मैट्रिक पोटेंशियल में प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो वो जो एब्जॉर्ब करता है सॉइल पार्टिकल को तो वही होता है मैट्रिक पोटेंशियल। कोई सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल जब वाटर पार्टिकल्स को, वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है इनर तक, और वो जो अवेलेबल नहीं हो पाता है, वो जो फोर्स लगाता है उसी फोर्स को बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, उसी का जो मैट्रिक पोटेंशियल हुआ। और कैपिलरी पोटेंशियल क्या हुआ, कैपिलरी पोटेंशियल वही सिंपली जो कि अवेलेबल हो जाता है। सिंपली अगर इसको बोले तो ये डिफाइन होता है एनर्जी विथ विच वाटर इज हेल्ड बाय द सॉइल, उस ताकत से जो वाटर जिससे जुड़ा हुआ रहता है सॉइल से, या वाटर वाटर से भी जुड़ा हुआ रहता है, तो उसमें होता है कैपिलरी पोटेंशियल, जो बंकिंगम 1907 में इंट्रोड्यूस किए थे कॉन्सेप्ट कैपिलरी पोटेंशियल। तो मैट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, जो सॉइल पार्टिकल एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है वाटर को। कैपिलरी पोटेंशियल क्या हुआ, कैपिलरी पोटेंशियल हुआ जब वो इस या तो अवेलेबल रहता है प्लांट के लिए, और वो एनर्जी चूँकि सॉइल अपने आप में वाटर को हेल्ड किया हुआ रहता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हुआ, जो ग्रेविटी फोर्स से आता है फील्ड में,
जो कि डिपेंडेंट होता है एलिवेशन में। जैसे सॉइल है, डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजन होता है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, ये था, तो ये ग्रेविटी पोटेंशियल क्या होता है, एलिवेशन पे डिपेंड होता है। कोई सॉइल अगर ऊपर में अवेलेबल है तो उसमें ग्रेविटी लगेगा, जाहिर सी बात है वो इन्फिल्ट्रेट होगा, परकोलेट होगा, वो नीचे आएगा, तो वो नीचे में जब बहुत नीचे आ जाता है, जहाँ पे रूट नहीं पहुँच पाता है उसका, जहाँ प्लांट रूट नहीं पहुँच पा रहा है, वैसा वाटर को पुल अप किया जाता है, वाटर पुल हो जाता है, वो अवेलेबल नहीं होता, वो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। अब सीपेज क्या होता है, सीपेज नॉर्मल होता है कि हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर इन चैनल इज कॉल्ड सीपेज, वाटर लॉस फ्रॉम द इरीगेशन चैनल और कैनाल इज मेनली ड्यू टू द सीपेज। सीपेज मतलब सिंपली होता है कि फ्लो ऑफ वाटर अगर हो रहा है, जैसे बारिश हो जाता है या कुछ भी होता है, अगर नॉर्मल कहीं पे वाटर फ्लो करते रहता है तो उसे सीपेज बोलेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टली फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है किसी भी चैनल से, जनरली वाटर लॉस होता है इरीगेशन के थ्रू, वो सीपेज से होता है कि अगर हम फ्लडिंग कर दिए जाता तो सीपेज होने लगता है, तो ये सीपेज लॉसेज होता है। फिर आया परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन, दोनों लगभग लगभग सेम है। इसमें क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, सॉरी इसमें भी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, लेकिन ये किस सॉइल में होता है, ये सैचुरेटेड सॉइल में, मतलब ऐसा सॉइल में जो पूरी तरह से वाटर से फिल्ड है, वैसा सॉइल में वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल होता है, या डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर होता है सॉइल में, इसको हम लोग बोलेंगे परकोलेशन। मतलब वाटर फिल्ड रहता है, उसके बाद फिर जब हम लोग एक्स्ट्रा वाटर उस पर ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर उस पर रेन वाटर के थ्रू या किसी भी इरीगेशन के थ्रू जाता है, तो वो नीचे परकोलेट करने लगता है नीचे तक। ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, इसमें भी डाउनवर्ड मूवमेंट या वर्टिकल मूवमेंट होता है वाटर का, लेकिन ये फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, ये खाली ऊपर लेयर में होता है। जैसे कोई अनसेचुरेटेड सॉइल रहा जिसमें पोर स्पेस में वाटर नहीं है, मीन्स वाटर क्या है, सॉइल क्या है, ड्राई है, तो वैसे ड्राई सॉइल में अगर हम लोग वाटर देंगे तो जाहिर सा बात है कि पहला लेयर में वाटर तुरंत फैल जाता है, तो उसे बोलेंगे कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन वो वाटर पूरी तरह से उस मिट्टी को भिंगा दिया, उसके बाद भी मतलब सैचुरेटेड कंडीशन में अगर आ गया मिट्टी, उसके बाद भी हम लोग एक्स्ट्रा वाटर अप्लाई करते हैं, तब वाटर अगर नीचे मूवमेंट करने लगा, अपर लेयर से नीचे जाने लगा, तो उसको बोलेंगे परकोलेशन। उस परकोलेशन के बाद अगर वो और नीचे चला गया, बहुत नीचे चल गया, तो वो चल जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। फिर ये सीपेज क्या होता है, सीपेज हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, परकोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये वर्टिकल फ्लो होता है वाटर का। फिर आता है लीचिंग, लीचिंग क्या होता है, ये भी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ये भी वर्टिकल मूवमेंट ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन और साल्ट जो होता है फ्रॉम द रूट जोन विथ वाटर इज कॉल्ड लीचिंग। अगर जो न्यूट्रिशन रहे या साल्ट रहे सॉइल पे प्रेजेंट रहता है या रूट जोन के सामने रहता है, ये अगर वाश आउट हो जा रहा है वाटर के थ्रू और ये नीचे परकुलेट कर जा रहा है वाटर, तो उसे हम लोग बोलेंगे लीचिंग। मीन्स कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है न्यूट्रिशन और साल्ट का फ्रॉम द रूट जोन विथ द वाटर इज कॉल्ड लीचिंग, उसे लीचिंग बोलते हैं। फिर आया पीएफ वैल्यू, पीएफ वैल्यू क्या होता है, पीएफ वैल्यू पी डोनेट किया जाता है पोटेंज, मीनिंग होता है पावर एट 10 to the power, जैसे हम 1 लिखते हैं, 10 to the power 2 लिखते हैं, तो पी ए वैल्यू भी सेम है। पी मतलब होता है पोटेंज, मतलब पावर ऑफ 10 बोलेंगे, और एफ होता है फोर्स, मतलब किस फोर्स से। अब पी एफ सबसे पहले वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस एंड डिफाइन बाय स्कोफील्ड के द्वारा इंट्रोड्यूस और इसको डिफाइन किया गया था। पी एफ क्या होता है, एक स्केल है पी एस टाइप का, थ्रू विथ वी मेजर, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं फोर्स विथ विच वाटर इज रिटेन इन कैपिलरी और सॉइल, जिस फोर्स से वाटर रिटेन रहता है, रुका हुआ रहता है कैपिलरी और सॉइल में। कैपिलरी मतलब ऐसा वाटर जो कि इजीली अवेलेबल रहता है प्लांट के लिए। तो अगर कोई वाटर पानी में रिटेन रहता है, रुका हुआ रहता है, तो उस रुकने का जो फोर्स रहता है, जिस ताकत से वो रुका हुआ रहता है, मीन्स कि उसमें ग्रेविटेशनल पुल जाहिर सी बात है लग रहा है, लेकिन वो कोई तो फोर्स है जिसके कारण वो रुका हुआ है, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं पी एफ का वैल्यू। जिस फोर्स से वो रुका हुआ रहेगा उसको बोलेंगे पी एफ का, इतना उसका वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे एफ फोर्स को डिनोट करता है, पी क्या करता है पोटेंज, जिसका मतलब होता है पावर एट 10। और जैसे पी एच टाइप का है, पी एच में क्या करते हैं, एच प्लस आयन्स हम लोग देखते हैं कि एच प्लस आयन्स कितना है, इसमें देखेंगे फोर्स कितना है, किस चीज़ का फोर्स, वाटर जो कि रिटेन रहता है कैपिलरी और सॉइल में। और एफ क्या डिनोट करता है, एफ डिनोट करता है फोर्स को, बता दिया पहले ही। और ये क्या होता है, पी एफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है
फ्री एनर्जी डिफरेंसेस का, फ्री एनर्जी डिफरेंसेस कितना है उसका, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम एवर फ्री वाटर लेवल इन सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द वाटर के हिसाब से कितने हाइट ऑफ वाटर में होता है और ये सेंटीमीटर में किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नेगेटिव प्रेशर ऑफ द सॉइल मॉइस्चर एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये भी बिल्कुल सेम है जो अभी तक हुआ। ये लॉगरिथम बताता है जैसे पीएफ इक्वल टू लॉग 10H, ये पूरी तरह से इसका वैल्यू निकलता है। जिस जहाँ पे अगर हम एच की बात करें तो एच क्या है, सॉइल मॉइस्चर होता है जो कि सेंटीमीटर में होता है। सॉइल मॉइस्चर हुआ लॉग 10 और एच क्या हुआ, सॉइल मॉइस्चर हुआ पी, यहाँ पे पी क्या हुआ, पी भी हुआ आपका 10 टू द पावर रहा, एफ क्या हुआ फोर्स रहा, तो 10 टू हुआ फोर्स और किस फोर्स से क्या चीज़ का, तो सॉइल मॉइस्चर का। तो सॉइल मॉइस्चर कितने फोर्स से है इसी को बोलते हैं पी एफ का वैल्यू। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ न्यूमेरिकल के, जैसे एक एटमॉस्फेयर में कितना रहता है तो 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रहता है, 76.39 सेंटीमीटर ऑफ एच जी रहता है, एक बार में 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम रहता है जो कि 10, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये सब काम आता है। अब यहाँ पे ये रहा कि पी एफ का वैल्यू 2 मीन्स क्या होता है, पी एफ इक्वल टू 2 है, इसका मतलब होता है द फोर्स विथ विच वाटर इज रिटेन, जितने ताकत से वाटर जो रुका हुआ है वो इक्वल होता है वेट ऑफ कॉलम ऑफ द वाटर 100 सेंटीमीटर। मतलब जितना वेट है वाटर का 100 सेंटीमीटर तक में वो इक्वल होगा जितना वाटर जिस फोर्स से वो रिटेन किया हुआ है। पी एफ इक्वल टू 2 का मतलब द स्केल क्या होता है, ये रेंजेस करता है 0 से 7 तक में, स्केल इसका रेंजेस करता है। फिर ये भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेस्ट होता है या फिर समझने के लिए सही है। क्यूमेक मीन्स क्या होता है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड होता है, क्यूसेक मतलब क्या होता है, क्यूबिक फीट पर सेकेंड होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होगा, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर होगा इसका, उसका मतलब 1 लीटर होता है। तो ये सब रहा। अब आता है कि मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट होता है मतलब कि एन अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय, मतलब जितने अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन रहता है सैंपल ऑफ इनिशियल सैचुरेटेड सॉइल। मतलब एक सैंपल होता है, सैंपल ऑफ इनिशियल सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड मतलब जिसमें पोर्स स्पेस फील हो, वैसा सॉइल का जितना अमाउंट ऑफ वेट जो उसमें रिटेन किया हुआ रहता है, कब, आफ्टर बींग सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ 1000 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटी फॉर अ डिफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जो 1000 टाइम्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब उसको घुमा के देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर उस पर लगता है तो फिर जितने अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन कर पाता है, कुछ सैंपल ऑफ सॉइल सैचुरेटेड सॉइल जितना अमाउंट ऑफ रिटेन कर पा रहा है उसको बोलेंगे मॉइस्चर इक्विवेलेंट। मतलब एक वाटर है सैंपल सॉइल ऑफ सैचुरेटेड सॉइल का, उसको उसमें अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाए जो कि 1000 टाइम रहता है, जो कि ग्रेविटी टाइप का रहता है कुछ समय के लिए, तो उस फोर्स में अगर कोई वाटर जितना रिटेन कर पा रहा है कोई सैंपल ऑफ सॉइल उसको बोलेंगे मॉइस्चर इक्विवेलेंट। और होता है, और इसको कितने देर करें, यूजुअली हाफ एन आवर के लिए इसको करते हैं। और इन मीडियम टेक्सचर सॉइल रहता है द वैल्यू ऑफ फील्ड कैपेसिटी और मॉइस्चर इक्विवेलेंट नियरली इक्वल। तो मीडियम टेक्सचर सॉइल रहता है उसमें फील्ड कैपेसिटी और मॉइस्चर इक्विवेलेंट बराबर रहता है। अब फील्ड कैपेसिटी और मॉइस्चर इक्विवेलेंट मीडियम टेक्सचर सॉइल में बराबर रहेगा, फील्ड कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा मॉइस्चर इक्विवेलेंट से सैंडी सॉइल में, और फील्ड कैपेसिटी कम हो जाता है इन वेरी क्लेई सॉइल, और फील्ड कैपेसिटी लेस देन मॉइस्चर इक्विवेलेंट कम हो जाता है इसमें, यहाँ पे क्लेई सॉइल में रहे, सैंडी सॉइल में फील्ड कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, फील्ड कैपेसिटी इक्वल रहता है मॉइस्चर इक्विवेलेंट के टेक्सचर सॉइल में, मीडियम टेक्सचर सॉइल में। अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो ओरिजिनली प्रपोज किया गया था ब्रिक्स के एंड सैंड को 1912 में, और दे यूटिलाइज ड्वार्फ सनफ्लावर को किया था एज इंडिकेटर प्लांट के लिए, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए उन्होंने ड्वार्फ सनफ्लावर को लिया था इंडिकेटर प्लांट के लिए। हायर द क्ले कंटेंट ऑफ अ सॉइल, जितनी सॉइल में क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा उसके हायर द हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट और ऑर्गेनिक मैटर आल्सो इनहेंसिंग। मतलब जितना उसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा, जितने क्ले कंटेंट होगा जाहिर सा बात है कि वाटर उसमें ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, जितने ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऐसा होगा जिसमें हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट लगेगा, हाइग्रोस्कोपिक फोर्स लगेगा, क्योंकि
प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा क्ले कंटेंट उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशियंट ज़्यादा रहेगा। और विल्टिंग कोफिशियंट क्या हुआ? विल्टिंग कोफिशियंट होता है कि हाइग्रोस्कोपिक कोफिशियंट अपॉन 0.68, इसको मॉइस्चर इक्विवेलेंट अपॉन 1.8 भी करने से आपका विल्टिंग कोफिशियंट निकलेगा। और होता क्या, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन, जितने परसेंट मॉइस्चर जो होता है रूट जोन में एट द परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट, जो कि परमानेंट विल्टिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड विल्टिंग कोफिशियंट और क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट बोलते हैं। और मॉइस्चर कंटेंट जो होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम सेम होगा, निकलेगा कैसे, मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज ऑफ वेट इनटू बल्क डेंसिटी करने से ये मॉइस्चर कंटेंट निकल जाता है। लेट्स बल्क डेंसिटी को अगर हम लोग मान ले कि 1.6 सीसी है और मॉइस्चर कंटेंट होता है ड्राई बेसिस का 20%, तो देन मॉइस्चर कंटेंट वॉल्यूम के हिसाब से कितना होगा, तो वॉल्यूम के हिसाब से क्या था, अगर हम लोगों को मॉइस्चर कंटेंट वॉल्यूम के हिसाब से निकालना है तो मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज बाय वेट, तो परसेंटेज बाय वेट इनटू बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी जैसे 20% है और परसेंटेज बाय वेट कितना है 1.6 है, तो 1.6 करेंगे तो 32% आ गया मॉइस्चर कंटेंट जो कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम के हिसाब से। और ये 32% मतलब क्या हुआ, मतलब 32 सेंटीमीटर हर 100 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, मतलब मॉइस्चर कंटेंट कितना है, हर 32 सेंटीमीटर में मॉइस्चर कंटेंट है जितने हर 100 सेंटीमीटर के मुताबिक, तो 32 सेंटीमीटर पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल, ये आ गया मॉइस्चर कंटेंट निकालने का। फिर सॉइल मॉइस्चर टेंशन इन अ साल्ट फ्री सॉइल, तो सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो होता है जहाँ पे साल्ट फ्री सॉइल है एट फील्ड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है व्हेन द टेक्सचर चेंजेस फ्रॉम सैंडी टू क्ले, मतलब कि सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो साल्ट फ्री सॉइल रहे वहाँ पे फील्ड कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है जहाँ पे टेक्सचर चेंज हो जाता है सैंडी से क्ले सॉइल में। इन सैंडी सॉइल 0.06 और लोम सॉइल में 0.1 रहता है, सिल्ट लोम में 0.3 के, क्ले में जैसे कि इंक्रीज हो जाता है तो 0.6 तक हो जाता है। फिर मॉइस्चर का मूवमेंट अंडर सेचुरेटेड कंडीशन में सबसे पहले आता है पोस्टियोलिस लॉ, जिसमें क्या क्या होता है, एक्सप्रेसेस करता है फ्लो ऑफ वाटर इन अ नैरो ट्यूब, मतलब अकॉर्डिंग टू इट रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन सैंडी सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ द लोम और एटलीस्ट इन क्ले सॉइल, मतलब फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो ज़्यादा होता है सैंडी सॉइल में और क्ले लोम सॉइल में मीडियम तक में होता है, सबसे कम किस में होता है, क्ले सॉइल में होता है फ्लो ऑफ वाटर। नैरो ट्यूब में अगर देखें तो फ्लो ऑफ वाटर सबसे कम किस में होता है, क्ले सॉइल में, इसीलिए भी होता है क्योंकि जो सैंडी सॉइल में रहता है पोर्स स्पेस बड़ा बड़ा रहता है, मतलब पोर्स स्पेस कम तो रहता है सैंडी सॉइल में क्योंकि सैंडी सॉइल बड़े बड़े पार्टिकल के होते हैं, कोर्स सैंड होते हैं, तो बड़ा साइज के सैंड होने से तो उनका पोर्स स्पेस भी बड़ा होता है, तो उनमें फ्लो ऑफ वाटर सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है। और क्ले सॉइल में सबसे कम क्यों होता है फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि जो उनका पोर्स स्पेसिस रहता है वो कम रहता है। फिर डार्सीज लॉ क्या बताया था, एक्सप्रेसेस वाटर मूवमेंट इन द सॉइल, ये भी वाटर मूवमेंट को ही बताता था, लेकिन ये क्या बताता था, द क्वांटिटी ऑफ वाटर पासिंग इन अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल जो रहता है, मतलब जो सॉइल का जो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर उसे पास होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे रहता है, ग्रेडियंट ऑफ हाइड्रोलिक हेड से, कितने उसमें हाइड्रोलिक हेड रहता है उस हिसाब से उसका यूनिट क्रॉस सेक्शन का पास करता है। तो ये दोनों क्या बताता है, कंसीडरिंग बोथ दी एवर ब्लॉक क्या बता रहा था, द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर का जो कंडक्टिविटी, मतलब फ्लो ऑफ वाटर जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन दी टोटल अमाउंट ऑफ पोर स्पेसिस, ये इस चीज़ से डिपेंड नहीं करता है कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ पोर स्पेसिस है, क्योंकि क्ले सॉइल की बात करें तो सबसे ज़्यादा पोर स्पेस रहता है क्ले सॉइल में, लेकिन तो उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होना चाहिए ऐसा नहीं होता है। तो कंडक्टिविटी ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड अपॉन दी टोटल अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस, यही कहना चाह रहा है ये लोग, तो यही कहना चाह रहा है ये लोग, द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल अमाउंट ऑफ पोर स्पेसेस, टोटल अमाउंट ऑफ पोर स्पेस में कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं रहता है। अब आया मेजर्स ऑफ सॉइल कंटेंट, मेजर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को नापने का क्या क्या तरीका है, अगर किसी मिट्टी में कितना सॉइल मॉइस्चर है तो इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट मेजर होता है मेजर करने का और होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, सबसे पहला आता है ग्रेविमेट्रिक मेथड होता है, ग्रेविमेट्रिक मेथड में सिंपल को हम सॉइल सैंपल लेके आते हैं, हम लोग सॉइल सैंपल को लेके आएंगे और उसे वेट करेंगे, वेट वेइंग मशीन में वेट करने के बाद फिर उसको हम लोग ड्राई करेंगे 105 से 110 डिग्री सेल्सियस में बिफोर एंड आफ्टर ड्राइंग,
वेट ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों में डिफरेंसेस निकालेंगे। पहले मतलब सॉइल सैंपल लेके आए, उसके वेट किए, फिर उसको हम लोग ड्राई किए, तब वेट किए, तो दोनों में जो डिफरेंसेज आ रहा है उसको ग्रेविटेशन मैट्रिक्स से हम लोग सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को निकालेंगे। फिर इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मीटर, ये भी लगभग लगभग सेम रहता है। इस मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं आइदर फॉर द इंडिविजुअल टेस्ट या बहुत सारे सीरीज ऑफ टेस्ट करना रहता है तब। इन प्रैक्टिकली ऑल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल डायरेक्टली इंफ्रारेड लैम्प इज यूज फॉर ड्राइंग विथ मूविंग एयर। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंफ्रारेड लैम्प इसमें यूज़ करते हैं ड्राइंग करने के लिए विथ हवा के साथ, नॉर्मल एयर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको बोलेंगे इंफ्रारेड मॉइस्चर बैलेंस मीटर। तो ये डायरेक्ट मेथड रहा कि डायरेक्टली हम लोग चेक कर लिए। तो ये था डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली सॉइल को देखो और फील करो कि हाँ इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है कि कम है, देखने से भी पता चल जाता है, तो सिंपली देख के पता कर लेना। फिर या न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड मतलब होता है कि इसमें रैपिड टेस्ट कर लेते हैं, इन सीटू मेजरमेंट मतलब एक ही जगह का या अपने इलाका का मेजरमेंट करना सॉइल मॉइस्चर का, और डायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से मेजरमेंट कर लेना, सिंपल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ एच प्लस न्यूक्लियाई को करते हैं जो कि प्रेजेंट रहता है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एक पार्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल में जितना प्रेजेंट रहता है एच प्लस न्यूक्लियाई उतना उसको हम लोग उस हिसाब से करते हैं। तो ये था न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड, और सिंपली देख के फील करना। फिर आता है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर दो टाइप का होता है, तो अब आया कि मॉइस्चर को नापने के लिए, मॉइस्चर को मेजर करने के लिए तीसरा मेथड इनडायरेक्ट मेथड में कौन सा आता है, टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर दो टाइप का होता है, एक टेंसियोमीटर होता है जिसमें मरकरी मैनोमीटर लगा हुआ रहता है जो कि रिसर्च वर्क के लिए यूज होता है, जो रिसर्चर लोग यूज करते हैं। दूसरा होता है टेंसियोमीटर जिसमें वैक्यूम ग्वाज लगा हुआ रहता है जो कि प्रैक्टिकल फील्ड यूज के लिए यूज होता है। टेंसियोमीटर जिसको एरोमीटर भी बोलते हैं जो कि मेजर करता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन को डायरेक्टली, और ये क्या होता है, इट इज़ यूज इन अ कोर्स सॉइल। कोर्स सॉइल मतलब ऐसा सॉइल जो कि बड़ा पार्टिकल सॉइल रहता है, जिसमें बड़ा टेक्सचर सॉइल रहता है, एंड द प्रैक्टिकल लिमिट इज अबाउट 0.8 bar। 0.8 bar तक ही इसका प्रैक्टिकली लिमिट रहता है, हेंस इट कैन नॉट बी यूज अंडर ऑल सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। जाहिर सी बात है सारा मॉइस्चर कंडीशन में नहीं यूज हो सकता। क्यों नहीं यूज हो सकता, क्योंकि टेंसियोमीटर जो होता है इसमें पोरस सेरेमिक कप रहता है, एक कप रहता है जो कि जिसमें छेदा 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 रहता है बहुत सारा, विच में बी चॉक्ड इन क्ले सॉइल। अगर इसको क्ले सॉइल में किया जाए तो क्ले सॉइल क्या होता है, बहुत सारा मतलब कि छेदा को भर देगा, तो और दिस का भी सेंसिटिव सॉल्ट तो छेदा भर देगा तो यूज़ नहीं हो पाएगा अच्छा से। तो ये क्ले सॉइल में जहाँ पर रहता है वहाँ पर यूज़ नहीं हो पाता टेंसियोमीटर, और ये सेंसिटिव कुछ हद तक जो कि रहता है साल्ट से भी रहता है सर्टेन एक्सटेंट तक, तो ज़्यादा जहाँ पे साल्ट, जहाँ साल्ट वाला सॉइल रहता है वहाँ पे भी ये यूज़ नहीं हो पाता टेंसियोमीटर, और जहाँ पे क्ले सॉइल रहता है वहाँ पे भी ये टेंसियोमीटर यूज़ नहीं हो पाता है। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर क्ले सॉइल एंड साल्ट सॉइल। सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो रहता है इन अ साल्ट फ्री सॉइल एट फील्ड कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम लेस देन 0.1 से 0.7 तक रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टेक्सचर पे डिपेंड करता है। अब आया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड भी होता है जो सॉइल मॉइस्चर को मदद करता है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसका डिटरमाइन होता है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं वेपर प्रेशर साइक्रोमीटर। इसमें वेपर प्रेशर साइक्रोमीटर यूज करते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बताता है। इसमें रेजिस्टेंस ब्लॉक रहता है जो कि मेड रहता है वेरियस बहुत सारे मटेरियल से, रेजिस्टेंस ब्लॉक इसमें बना हुआ रहता है जैसे जिप्सम से बना हुआ रहता है, नाइलोन से, फाइबर क्लास से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस से, या फिर इससे कुछ कुछ कॉम्बिनेशन से बना हुआ रहता है। क्या बना हुआ रहता है, रेजिस्टेंस ब्लॉक बना हुआ रहता है। नाइलोन और फाइबर ग्लास जो रहता है यूनिट रहता है आर मोर सेंसिटिव इन हाइयर रेंज ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो नाइलोन और फाइबर क्या है, जहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, जहाँ पे सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ब्लॉक फंक्शन मोस्ट इफिशियंटली बिटवीन, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ब्लॉक्स रहता है फंक्शन मोर इफिशियंटली बिटवीन 1 to 15 ATM के तक में अच्छा से इफिशियंटली कर पाता है। एंड नाइलोन ब्लॉक जो रहता है 2 ATM एंड फाइबर यूनिट ओवर इंटायर रेंज ऑफ अवेलेबल वाटर। तो इंटायर रेंज ऑफ अवेलेबल वाटर में फाइबर ग्लास कर पाता है। नाइलोन जो रहता है नाइलोन ब्लॉक 2 ATM तक रहता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ फाइबर प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोवाइड
sensitivity in both wet and dry range and provide good contact between soil and the unit. तो जो कॉम्बिनेशन रहता है फाइबर और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कि सेंसिटिव रहता है बोथ वाटर और ड्राई रेंज प्रोवाइड करता है गुड कॉन्टैक्ट रहता है बिटवीन सॉइल और यूनिट में. जिप्सम ब्लॉक रहता है और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस रेजिस्टेंस यूनिट जो रहता है फर्स्ट जो प्रिपेयर किया गया था बोयोकॉस के द्वारा और मिक के द्वारा. तो हेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ऑल्सो भी बोलते हैं कि बोयोकॉस और मॉइस्चर मीटर और स्पेशली डिजाइन ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. तो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड किया गया था. इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है जैसे कि नाइलोन होता है फाइबर और ग्लास होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है या इन सब का कॉम्बिनेशन से बना हुआ रहता है. रेजिस्टेंस ब्लॉक लाइक टेंसियोमीटर होता है जो कि यूज होता है टू शेड्यूल इरीगेशन. ये किस काम में आता है इरीगेशन को शेड्यूल करने में टू इरीगेट ग्रीन हाउस बेड. ग्रीन हाउस में जो बेड रहता है ग्रीन हाउस में जो बेड रहता है उसको इरीगेट करने के लिए टू डिटरमाइन रूटिंग जोन. रूटिंग जोन को डिटरमाइन करने के लिए सॉइल प्रॉपर्टी करने के लिए एंड टू इलेवेट फ्लक्चुएशन इन वाटर टेबल. वाटर टेबल में जो फ्लक्चुएशन आता है जो ऊपर नीचे होते रहता है उसमें करने के लिए. अनलाइक टेंसियोमीटर रेजिस्टेंस ब्लॉक डू नॉट वर्क प्रॉपरली एट हायर मॉइस्चर लेवल. मतलब इसमें हायर मॉइस्चर लेवल में टेंसियोमीटर नहीं वर्क कर रहा. देयर एफिशिएंसी इज बेटर एट लो मॉइस्चर लेवल अप टू विल्टिंग पॉइंट. विल्टिंग पॉइंट तक में इनका एफिशिएंसी बहुत अच्छा रहता है. रेजिस्टेंस ब्लॉक रहता है डू नॉट गिव प्रिसाइज रिजल्ट इन सेलाइन कंडीशन. ये सेलाइन कंडीशन में अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है रेजिस्टेंस ब्लॉक क्योंकि जो सोल्यूबल साल्ट रहता है सेलाइन सेल में क्या होता है सोल्यूबल साल्ट रहता है वो इंटरफेयर करने लगता है कंडक्टेंस ऑफ द ब्लॉक के साथ. ब्लॉक के साथ उनका इंटरफेरेंस होने के कारण ये सेलाइन कंडीशन में अच्छा वर्क नहीं कर पाता है. थर्ड जो नाइलोन रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है या फाइबर ग्लास ब्लॉक जो रहता है शुड नेवर बी यूज्ड व्हाइल जिप्सम जो ब्लॉक रहता है मे बी यूज्ड इन सेलाइन कंडीशन अप टू सम एक्सटेंट. लेकिन जो जिप्सम ब्लॉक को ही सम एक्सटेंट तक यूज कर पाते हैं लेकिन जो नाइलोन प्लास्टर ऑफ पेरिस और फाइबर ग्लास रहता है ये यूज नहीं होता है. तो रेजिस्टेंस यूनिट आर यूज इन फाइन टेक्सचर सॉइल. तो ये जनरली ये फाइन टेक्सचर सॉइल में यूज होता है रेजिस्टेंस ब्लॉक जहाँ पे टेक्सचर बहुत ही फाइन है और जहाँ कोर्स टेक्सचर सॉइल के लिए यूज हो रहा था ये फाइन टेक्सचर सॉइल के लिए और ये कोर्स टेक्सचर सॉइल में जो यूज हो रहा था आपका टेंसियोमीटर. तो टेंसियोमीटर किस में यूज होता है कोर्स टेक्सचर सॉइल रहे वहाँ पे और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड किस में होता है जो फाइन टेक्सचर सॉइल रहे वहाँ पे के लिए. फिर जो रहता है आता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन क्या होता है. तो जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन ये थॉर्नवेट ने दिया था 1948 में जो कि डिफाइन किया गया था इट एज अ इवेपोट्रांसपीरेशन फ्रॉम अ लार्ज वेजिटेशन कवर लैंड सरफेस विथ एडिक्वेट मॉइस्चर एट ऑल टाइम. मतलब ये कॉन्सेप्ट को पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन को थॉर्नवेट ने 1948 में दिया था जो कि डिफाइन किया था इवेपोट्रांसपीरेशन मतलब इवोपरेशन और ट्रांसपीरेशन जो होता है फ्रॉम अ लार्ज वेजिटेशन मतलब लार्ज वेजिटेशन से जो हो रहा है कवर्ड लैंड सरफेस से हो रहा है विथ एडिक्वेट मॉइस्चर एट ऑल टाइम में. इसमें होता क्या देखिए इवोपरेशन मतलब कि जो सरफेस से इवोपरेशन हो रहा है लॉस हो रहा है वाटर का उसको बोलेंगे ट्रांसपीरेशन जो कि वेजिटेशन या प्लांट ये सब से अगर वाटर लॉस होता है तो इसको बोलेगा. ये जब कॉम्बिनेशन होता है तो इवेपोट्रांसपीरेशन होता है. तो थॉर्नवेट में यही बताया था अकॉर्डिंग टू द डाल्टन. डाल्टन क्या कहता है इवोपरेशन क्या होता है इज द फंक्शन ऑफ द डिफरेंसेज. ये डिफरेंसेज होता है इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वाटर का वेपर प्रेशर में एंड द वेपर प्रेशर ऑफ एयर. मतलब कि ये एयर का वेपर प्रेशर और वाटर का वेपर प्रेशर का डिफरेंस का जो फंक्शन होता है इसी को बोला जाता है इवेपोट्रांसपीरेशन. तो इवेपोट्रांसपीरेशन जो इन दोनों को बोला जाता है और इवेपोट्रांसपीरेशन को ईटी इवेपोट्रांसपीरेशन को मेजर करने के लिए कौन कौन सा है लाइसीमीटर. लाइसीमीटर जो होता है स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ इवेपोट्रांसपीरेशन के लिए परमिट करता है रेनफॉल को करने के लिए और वाटर अपटेक बाय प्लांट के लिए. लाइसीमीटर एक तरह का टैंक होता है जिसमें जो कि बरीड किया जाता है ग्राउंड में जो कि मेजर करता है परकोलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल कितना परकोलेशन हुआ है सॉइल में इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है. तो लाइसीमीटर क्या है परमिट करता है किस चीज़ के लिए इवेपोट्रांसपीरेशन के लिए रेनफॉल को करने के लिए और वाटर अपटेक बाय द प्लांट के लिए. और लाइसीमीटर क्या है एक तरह का टैंक है जो कि ग्राउंड में अंदर दबा हुआ रहता है या दबा दिया जाता है जो कि मेजर करता है परकोलेशन ऑफ वाटर के लिए कितना परकोलेशन हुआ है मतलब कि कितना पानी नीचे गया है.
लाइसेमीटर आर मोस्ट डिपेंडेंट मीन्स ऑफ डायरेक्टली मेजरिंग द इवेपो ट्रांसपीरेशन रेट. इवेपो ट्रांसपीरेशन रेट नापने के लिए सबसे अच्छा है लाइसेमीटर होता है, बट देर इंस्टॉलेशन मट मीट फॉर रिक्वायरमेंट. पर जो इनके इंस्टॉलेशन जो करते हैं, जो इनको लगाया जाता है, तो चार चीज जरूर होना चाहिए इनका रिक्वायरमेंट, तभी लाइसेमीटर अच्छा से वर्क कर पाता है. तो लाइसेमीटर क्या है? लाइसीमीटर इट शुड बी वेरी लार्ज होना चाहिए और डीप टू रिड्यूस द बाउंड्रीज इफेक्ट. मतलब कि ये तो लार्ज होना चाहिए और उनको अंदर लगाना चाहिए कि उनमें बाउंड्री, मतलब ऐसा नहीं हो कि इनका बाउंड्री इफेक्ट कुछ हो उसमें. एंड टू अवॉइड रिस्ट्रिक्टेड रूट डेवलपमेंट, और वो रूट डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सके, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. मतलब अच्छा से जाना चाहिए जो रूट उनका किसी वेजिटेशन का उससे रिस्ट्रिक्ट ना हो. फॉर शॉर्ट क्रॉप लाइसीमीटर शुड बी एटलीस्ट वन क्यूबिक मीटर इन वॉल्यूम. छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनके लिए वन क्यूबिक मीटर होना चाहिए वॉल्यूम में, शॉर्ट प्लांट के लिए. लाइसीमीटर के लिए जो फिजिकल कंडीशन विद इन द लाइसीमीटर मस्ट बी कंपेरेबल टू दोज आउटसाइड. जो फिजिकल कंडीशन होता है लाइसीमीटर का, वो आउटसाइड से मस्ट बी कंपेरेबल होना चाहिए. और जो फिजिकल कंडीशन होता है, मतलब जो लाइसीमीटर होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटसाइड से कंपेरेबल होना चाहिए. लाइसीमीटर नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सराउंडिंग एरिया. सराउंडिंग एरिया से रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए. इफ द क्रॉप इन द लाइसीमीटर इज आइदर, अगर क्रॉप कोई लाइसीमीटर में या तो बड़ा हो, छोटा हो, डेंसर हो या पतला हो, और लाइसीमीटर हो इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ नॉन क्रॉप्ड एरिया, मतलब किनारे में लगा हुआ जहाँ पे नॉन क्रॉप्ड एरिया है, जहाँ क्रॉप नहीं लगा हुआ है. द इफेक्टिव एरिया ऑफ द लाइसीमीटर, उसको जो इफेक्टिव एरिया जो कहा जाएगा लाइसीमीटर का, उसे डिफाइन किया जाता है कि लाइसीमीटर जो होता है इवेपो ट्रांसपीरेशन जो होता है उसका पर यूनिट एरिया ऑफ द सराउंडिंग फील्ड, मतलब पर यूनिट एरिया के हिसाब से उसको करेंगे सराउंडिंग फील्ड को, इफेक्टिव एरिया को. और ईच लाइसीमीटर शुड हैव अ गार्डिंग एरिया, उसमें गार्डिंग एरिया होना चाहिए, उसके उसके अराउंड में गार्ड रिंग एरिया होना चाहिए, जो कि इसको मेंटेन करना मेंटेन होता है अंडर सन, क्रॉप एंड मॉइस्चर कंडीशन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दी क्लोज लाइन इफेक्ट. क्लोज लाइन इफेक्ट होता है कि जो मूवमेंट होता है, जैसे किसी हीट का मूवमेंट होता है, इधर होता है, तो मतलब जो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है उसे क्लोज लाइन इफेक्ट बोलते हैं. यहाँ से हम मूवमेंट के लिए तो उनके गार्ड रिंग होना चाहिए जो क्लोज लाइन इफेक्ट को भी मिनिमाइज कर सके ज़्यादा से ज़्यादा. अगर उनमें गार्डरिंग नहीं लगा हुआ रहेगा तो क्लोजलाइन इफेक्ट को मिनिमाइज नहीं कर पाएगा. लाइसीमीटर दो टाइप का होता है, एक होता है नन वेइंग टाइप लाइसीमीटर और एक होता है वेइंग टाइप लाइसीमीटर. जो नन वेइंग टाइप होता है लाइसीमीटर, जिसको ड्रेनेज लाइसीमीटर भी बोला जाता है, जो कि ऑपरेट करता है, चलता है किस प्रिंसिपल पे, ये चलता है जो इवेपो ट्रांसपीरेशन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रेनफॉल और इरीगेशन और वाटर एडेड टू द सिस्टम माइनस लीचिंग. मतलब इवेपो जो ट्रांसपीरेशन है वो क्या होता है, रेनफॉल प्लस इरीगेशन होता है, जिसमें लीचिंग को माइनस करके, इस प्रिंसिपल पे चलता है नन वेइंग टाइप ऑफ लाइसीमीटर या फिर ड्रेनेज लाइसीमीटर, जो कि यूजफुल होता है खाली और खाली डिटरमाइन करने के लिए पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन को, और शुड बी इरिगेटेड एवरी 4 or 5 days अनलेस रेनफॉल इंटरवेंस. जब तक रेनफॉल नहीं आता है तो हमेशा उसे इरिगेट करना चाहिए 4 से 5 दिन के अंदर में. फिर आता है वेइंग टाइप ऑफ लाइसीमीटर क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन देता है वेपो ट्रांसपीरेशन का. ये कैपेबल होता है मेजरिंग करने के लिए वेपो ट्रांसपीरेशन फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए, ड्यूरल पैटर्न ऑफ वेपो ट्रांसपीरेशन को ये मेजर करता है, द फिनोमिनल ऑफ मिडे विल्ट, शॉर्ट टर्म वेरिएशन ऑफ एनर्जी पार्टीशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांसपीरेशन एंड सॉइल मॉइस्चर टेंशन को भी ये करता है. इट मेजर वाटर बैलेंस, ये वाटर बैलेंस को भी मेजर करने में मदद करता है, जो वाटर एडेड होता है और वाटर रिटेन होता है सॉइल के, और वाटर लॉस होता है थ्रू ऑल सोर्सेस, जैसे इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन या डीप परकोलेशन, तो मेजर करता है वाटर बैलेंस को भी. ये इफेक्टिव रेनफॉल भी इससे मेजर्ड होता है. देयरफॉर वेइंग टाइप ऑफ लाइसीमीटर जो कि होता है वो तो ज़्यादा एक्यूरेट और डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है इवेपो ट्रांसपीरेशन को जानने के लिए. मीटर क्या होता है, इवेपोरीमीटर एक डिवाइस होता है जो कि एस्टिमेट करता है कि पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन कितना है बहुत सारे क्रॉपेस का. तो जितने भी क्रॉप है उसका पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन को जो एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है कि कितना है, वो होता है इवेपोरीमीटर्स.
तो ये दो टाइप का इवेपोरेटर होता है इंडिया में। पहला इवेपोरेटर होता है USWB क्लास वन पैन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि लिखाता है US पैन भी, उसको सिंपली बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट का पैन जो होता है। ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है, यही मोस्टली यूज़ होता है एज ए इवेपोरेटर के तौर पे, क्योंकि पैन का जो होता है हाइयर रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है देन अ लार्ज फ्री वाटर सरफेस। जितने भी फ्री वाटर सरफेस अगर हम लोग करते हैं तो उसका हाइयर रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो किस में होता है, पैन में होता है। इसीलिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है USWB क्लास वन पैन को। और जैसे इवेपोरेशन फ्रॉम लार्ज वाटर सरफेस कैसे निकालेंगे, पहले पैन का जितना रीडिंग आएगा और पैन का जितना कोफिशियंट होगा, पैन कोफिशियंट जनरली 0.7 होता है अप्रॉक्स, और पैन का जितना रीडिंग होगा उससे निकल जाएगा इवेपोरेशन, लार्ज वाटर सरफेस एरिया से जितना भी होगा उतना उसका इवेपोरेशन निकल जाएगा। फिर यही जो इवेपोरेशन होता है पैन इवेपोरेशन और क्रॉप का फैक्टर जितना क्रॉप का है ये निकालने में मदद करता है इवेपोट्रांसपिरेशन, तो इससे निकल जाएगा इवेपोट्रांसपिरेशन। फिर संकेन स्क्रीन इवेपोरेटर, ये भी लगभग लगभग दोनों का काम सेम ही होता है कि दोनों क्या है, इवेपोरेटर है जो कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन एस्टिमेट करने में मदद करते हैं। इसमें डेस्टेन और शर्मा जो थे IARI में डेवलप किए थे इसको, संकेन स्क्रीन इवेपोरेटर। ये सिंप्लीफाई कर देता है जनरली इवेपोट्रांसपिरेशन को करने के लिए थोड़ा और आसान कर देता है। इसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था, जो इवेपोरेशन अपॉन इवेपोट्रांसपिरेशन था, जैसे उसमें किया था 0.9 से 1.05 एज कंपेयर टू 1.02 से 1.50 इन US बैंड पे, उसमें कम देखा था उन्होंने इवेपोरेशन प्लस इवेपोट्रांसपिरेशन उन्होंने इतना देखा था एज कंपेयर टू इसमें था जो US बेस्ड पैन में आया था। तो उन्होंने सिंप्लीफाई किया, उसे आसान किया, इसको संकेन स्क्रीन इवेपोरेटर बोलते हैं। और ये US बेस्ड पैन दो टाइप का इवेपोरेटर होता है। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर क्या होता है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर होता है मतलब कि वाटर जो यूज कर रहा है अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जितने भी, मतलब कि अच्छा कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर क्या होता है, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर होता है मतलब कि जो वाटर में लॉसेस होते हैं ड्यू टू इवेपोट्रांसपिरेशन के कारण, और जो वाटर में लॉस होते हैं प्लांट का मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो करने के लिए यूज करते हैं उसमें, तो कंजप्टिव यूज दोनों हो गए, इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वाटर यूज होता है प्लांट के द्वारा। तो सिंस वाटर इज यूज इन एक्चुअल मेटाबॉलिक प्रोसेस इज लेस देन 1%, 1% से भी कम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, इवेपोट्रांसपिरेशन में 99% वाटर जो होता है लॉस हो जाता है इवेपोट्रांसपिरेशन के द्वारा जो प्लांट लेता है जितना भी वाटर, तो 1% जो होता है वाटर जो यूज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उससे भी कम होता है। इसीलिए जो इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज को इक्वली बोलते हैं कि जितना भी इवेपोट्रांसपिरेशन इक्वल टू कंजप्टिव यूज, क्योंकि 1% से भी कम जो होता है वो होता है आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है। फिर अमाउंट ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड, अगर निकालना है कितना अमाउंट वाटर अप्लाइड किया गया है, कितना अमाउंट डाला गया है, उसके लिए सिंपल है कि मॉइस्चर निकालेंगे फील्ड कैपेसिटी से, विल्टिंग पॉइंट से निकालेंगे अपॉन हंड्रेड से इनटू बल्क डेंसिटी से डेप्थ ऑफ सॉइल, कितना सॉइल में डेप्थ तक वाटर डाला हुआ है इससे पता चल जाएगा अमाउंट ऑफ कितना वाटर अप्लाइड हुआ है। फिर वाटर यूज इफिशियंसी क्या है, वाटर यूज इफिशियंसी होता है वाटर जो यूटिलाइजेशन होता है क्रॉप के द्वारा, उसको डिस्क्राइब किया जाता है वाटर यूज इफिशियंसी, मतलब क्रॉप जितना वाटर को यूज करता है उसको वाटर यूज इफिशियंसी से डिस्क्राइब किया जाता है। दो टाइप का होता है क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी, मतलब यहाँ पे क्रॉप जितना यूज कर रहा है मतलब कि यील्ड जितना क्रॉप दे रहा है अपॉन इवेपोट्रांसपिरेशन में, ये रेशियो होता है क्रॉप यील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिप्लीटेड, जितना अमाउंट डिप्लीट होता है बाय द क्रॉप, मतलब कि क्रॉप जितना लिया वाटर जितना डिप्लीट किया उस हिसाब से यील्ड जितना दिया उसका रेशियो को बोलते हैं, मतलब यील्ड दिया और जितना क्रॉप ही से इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया उसको क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी बोलेंगे। और होता है फिर दूसरा होता है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी, क्या होता है मतलब यहाँ पे जितना वाटर हम लोग फील्ड में अप्लाइड किए, वाटर रिक्वायर्ड फॉर और यूज हुआ उसमें उस हिसाब से जितना वो यील्ड दिया, मतलब कोई अगर फील्ड है तो
इस फील्ड में हम जितना पानी डाले और क्रॉप जितना उसको ले पाया उसको बोलेंगे फील्ड वाटर एफिशिएंसी। और इसमें क्रॉप में जितना गया उसके बाद जो ट्रांसपीरेशन में लॉस हुआ, किसी और चीज़ में लॉसेज हो गया और उसके हिसाब से यील्ड जितना दिया उसको बोलेंगे क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। तो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी एक होता है क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। सिंपली यही वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को यूज़ करना प्लांट के द्वारा, उसको बोलेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी। अब आया यहाँ पे इंक्रीजिंग वाटर यूज इफिशियंसी इन अन इरीगेटेड एरिया। जितने भी अन इरीगेटेड एरिया है, खासकर और जहाँ लो रेनफॉल एरिया है, वहाँ पे वाटर यूज इफिशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वाटर इफिशियंसी अगर कम है किसी जगह पे, तो जाहिर सी बात है वाटर का लॉसेस बहुत हो रहा है या वाटर प्लांट नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए खास अन इरीगेटेड एरिया में ऐसे भी पानी कम होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम चीज हो जाएगा। तो वहाँ पे वाटर यूज इफिशियंसी बढ़ाना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो वहाँ पे कैसे बढ़ाएंगे इंक्रीजिंग वाटर यूज इफिशियंसी। अब आया कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कंजर्व करना, यूटिलाइज करना लार्ज पोर्शन अवेलेबल रेनफॉल फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। जितनी भी लार्ज पोर्शन रेनफॉल हो रहा है उसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल कराना, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रिसिपिटेशन, जितने भी प्रिसिपिटेशन होते हैं उसको प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए गिवन एरिया में फॉलोइंग प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता है। इन सब प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रिसिपिटेशन होता है, प्रिसिपिटेशन जैसे रेन स्नो ये सब जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रिसिपिटेशन हो रहा है, इन सब को प्रैक्टिस से करने से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं यूटिलाइजेशन, ज़्यादा ज़्यादा यूटिलाइज कर सके वाटर को प्लांट। तो फिर ये सब कौन कौन से चीज़ है जिसको अडॉप्ट किया जाता है, फिर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन इनटू द ग्राउंड, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हम लोग करना है प्रिसिपिटेशन को ग्राउंड तक, पहले तो ग्राउंड तक पहुंचाना है ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रिसिपिटेशन है, उसके बाद उनको मैक्सिमम एब्जॉर्ब कराना है, ना कि रन ऑफ में ये सब में वेस्ट नहीं करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के अंदर पानी जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एलिमिनेट करना है सरफेस रन ऑफ, रन ऑफ नहीं होना चाहिए, सीपेज नहीं होना चाहिए, ये सब को एलिमिनेट करने के बाद तब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करा पाएंगे। तो इसमें क्या है, रन ऑफ को कंट्रोल करना है, टीलेज करना है, इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाना है, वाटर हार्वेस्ट करना और रिसाइकल करना है, मतलब वाटर को रिस्टोर करने के लिए कोई जगह बना देना है। इन्फिल्ट्रेशन के लिए टीलेज करेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है टीलेज करने से, उसे रन ऑफ करने के लिए, रन ऑफ नहीं देने के लिए कहीं पर हम लोग को अच्छा से बना देना पड़ेगा कि वाटर वहीं पर स्टोर रहे, ना कि रन ऑफ में वो लॉसेज हो जाए। फिर क्या करते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग एग्रीकल्चर अनप्रोडक्टिव लॉस ऑफ मॉइस्चर, मतलब डिक्रीज करना है एग्रीकल्चर में जो अनप्रोडक्टिव लॉस होता है वाटर का, जैसे इवोपरेशन हुआ, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर हो गया बाई वीड के द्वारा, वीड अगर कर लेता है तो लॉसेज जो होता है सब सरफेस फ्लो हो जाता है, डीप पर्कुलेशन हो जाता है। तो इन सब को हम लोग वीड कंट्रोल करके कर सकते हैं, टाइमली हार्वेस्ट कर सकते हैं, मल्चिंग करके और टीलेज करके इन सब को भी लॉसेज को रोक सकते हैं। फिर आता है इंक्रीजिंग द मॉइस्चर रिजर्व ऑफ द प्लांट, मॉइस्चर रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रिजर्व को बढ़ाना प्लांट का। द प्रैक्टिस विच इंक्रीज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर एंड स्टोर सॉइल मॉइस्चर, जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकता है रेन वाटर का और स्टोर कर सकता है सॉइल मॉइस्चर का। फिर ग्रोइंग सुटेबल क्रॉप को ग्रो करना है और देयर वेराइटी, उनका सुटेबल क्रॉप को ग्रो करना है, देयर वेराइटी को ग्रो करना है, सुटेबल क्रॉपिंग सीक्वेंस को फॉलो करना है, रूट डेप्थ ऑफ क्रॉप को इंक्रीज करना है बाय रिमूवल ऑफ हार्ड पैन एंड फर्टिलाइजेशन करना है, ग्रोइंग इंटरक्रॉप को करना है डिफरेंट रूटिंग डेप्थ के हिसाब से, सीडिंग टेक्निक्स एंड प्लांट स्टैंड करना है, प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर बिकम इम्पॉर्टेंट इन विंटर सीजन व्हेन क्रॉप आर ग्रोन ऑन स्टोर्ड सॉइल मॉइस्चर। तो ये सब अगर फॉलो करेंगे तो ये सबसे मॉइस्चर रिजर्व प्लांट का बढ़ जाता है। फिर आता है इरीगेशन इफिशियंसी, इरीगेशन का इफिशियंसी को कैसे क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ अप्लाइड इरीगेशन वाटर स्टोर्ड इन सॉइल, जितने परसेंटेज ऑफ अप्लाइड वाटर होते हैं स्टोर्ड इन सॉइल फॉर क्रॉप ग्रोथ के लिए अपॉन वाटर अप्लाइड एज इरीगेशन, मतलब जितना हम लोग वाटर को अप्लाइड करते हैं एज अ इरीगेशन के लिए और उसमें से जितना वाटर स्टोर्ड होता है सॉइल में क्रॉप का ग्रोथ के लिए उसको इनटू 100 करेंगे तो इरीगेशन इफिशियंसी आता है। तो इरीगेशन इफिशियंसी क्या होता है, जितने भी वाटर अप्लाइड करते हैं अप्लाइड इरीगेटेड वाटर स्टोर्ड इन सॉइल, मिट्टी में जो स्टोर्ड हो जाता है और मेड अवेलेबल फॉर कंजप्टिव यूज बाय द क्रॉप, और क्रॉप के कंजप्टिव यूज के लिए मतलब क्रॉप उसको ले लेता है, फिर वो ट्रांसपीरेशन हो या उस अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज करे तो वो सब यूज केस के लिए जब प्लांट अवेलेबल हो जाता है तो उसको बोलेंगे इरीगेशन इफिशियंसी।
When the water is measured at its entry to the farm, it is called farm irrigation. जब farm में entry करता है तो farm irrigation होता है. Irrigation efficiency मतलब farm में कितना वाटर हम लोग डाल रहे हैं उस हिसाब से क्रॉप कितना ले पा रहा है, तो फार्म का इरीगे हो गया. और किसी फील्ड में डाल रहे हैं तो फील्ड इरीगेशन इफिशियंसी हो गया. जब हम इसी चीज़ को मेजर करेंगे एट द पॉइंट ऑफ डाइवर्सन के हिसाब से तो प्रोजेक्ट इफिशियंसी बोलेंगे. तो ये हुआ इरीगेशन इफिशियंसी. इसका इरीगेशन इफिशियंसी का है कि कैसे कैसे निकालते हैं, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है. ये न्यूमेरिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. फिर आता है इरीगेशन पीरियड. इरीगेशन पीरियड क्या होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ डेज, मतलब जितने दिन होता है, डेट कैन बी अलाउ फॉर अप्लाइंग वन इरीगेशन टू अ गिवन एरिया ड्यूरिंग द पीक कंजप्शन टाइम यूज पीरियड ऑफ द क्रॉप दैट इज इरीगेटेड. मतलब इरीगेशन पीरियड क्या होता है? ये होता है कि पीक यूज रेट जब रहता है, सबसे ज़्यादा जब कोई प्लांट अपना किसी चीज़ को यूज़ करता है वाटर को, उसके हिसाब से नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट कितना होता है. तो मतलब नंबर ऑफ डेज मतलब कितना दिन जो कि अलाउ रहता है फॉर अप्लाइंग वन इरीगेशन टू अ गिवन एरिया, मतलब एक जगह पे वन इरीगेशन कितना दिन तक अलाउ रहता है ड्यूरिंग द पीक कंजप्टिव द यूज पीरियड ऑफ द क्रॉप दैट इज इरीगेटेड, जो कि इरीगेटेड किया जाता है उसी को बोलते हैं इरीगेशन पीरियड. फिर आता है इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, द एरिया दैट इज प्रपोज टू बी इरीगेटेड. मतलब जितना प्रपोज किया जाता है, जितना इरीगेशन किया जाता है हर साल हर सीजन में, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, जो कि यूजुअली परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है ऑफ टोटल कल्टीवेटेड एरिया. जितना कल्टीवेटेड एरिया उस हिसाब से परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है इंटेंसिटी, मतलब कितना एरिया को हम लोग हर साल हर सीजन में इरीगेट करते हैं उसको इरीगेशन इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन. फिर क्रॉप रेशियो क्या हुआ? तो सिंपल है कि रेशियो ऑफ क्रॉप क्या हुआ या क्रॉप रेशियो क्या हुआ. जैसे कि विंटर क्रॉप में अगर हम लोग लगाते हैं वीट क्रॉप को, जो कि 1/4 वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए खरीफ क्रॉप के हिसाब से, जैसे खरीफ क्रॉप में जैसे राइस रहा, इसमें वीट रहा. अगर हम सिंगल क्रॉप के हिसाब से देखें तो वीट और राइस है, तो वीट चाहिए था 4 और राइस चाहिए था 1, तो 4:1 यह क्रॉप रेशियो. देर इज ओनली राइस खरीफ क्रॉप को मारे उस हिसाब से अगर क्रॉप रेशियो देखा जाए, तो अगर बहुत सारे क्रॉप अगर हम लोग विंटर में देखते हैं फिर समर में देखते हैं, तो उनका रेशियो क्या है, क्रॉप रेशियो निकल जाएगा. द रेशियो ऑफ एरिया अंडर क्रॉप ऑफ अ पार्टिकुलर कैनाल और इंटायर प्रोजेक्ट एक जगह पे इज कॉल्ड अ क्रॉप रेशियो, इसी को बोलते हैं क्रॉप रेशियो. फिर मॉइस्चराइजिंग क्या हुआ? मॉइस्चराइजिंग होता है द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन दिस सॉइल एट एटमोस्फेरिक प्रेशर. जितने भी सॉइल परसेंटेज होते हैं, मॉइस्चर परसेंटेज होता है मिट्टी में, जितना भी मॉइस्चर परसेंटेज. अब मॉइस्चराइजिंग क्या होता है? मॉइस्चराइजिंग होता है जितना भी परसेंट सॉइल होता है, मॉइस्चराइजिंग क्या होता है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, मतलब जितना मॉइस्चर होता है सॉइल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसी को मॉइस्चराइजिंग बोलते हैं. तो काफ़ी सिंपल था. अब रहता है ड्यूटी ऑफ वाटर. ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, और इसी के साथ आएगा कि डेल्टा क्या होता है. सबसे पहले होता है ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है. देखिए ड्यूटी ऑफ वाटर होता है कि एक्सप्रेस होता है, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन टू ब्रिंग क्रॉप टू अ मैच्योरिटी. ड्यूटी ऑफ वाटर होता है जितना क्वांटिटी ऑफ पानी चाहिए इरीगेशन के लिए कोई क्रॉप को मैच्योरिटी तक लाने के लिए. जैसे कोई एक फील्ड है, फील्ड में यहाँ से कैनाल है या कोई और यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर है, यहाँ से हम पानी डाल रहे हैं, जितना पानी क्यों ड्यूटी किस में होता है, हेक्टेयर और क्यूसेक में होता है. क्यूसेक हेक्टेयर पर क्यूसेक, ये क्वेश्चन कई बार आता है, इसका यूनिट होता है. तो एक क्यूसेक में कितना हेक्टेयर को इरिगेशन करता है और कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं ड्यूटी ऑफ वाटर. एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए इरिगेशन के लिए, क्रॉप के लिए, मैच्योरिटी के लिए, स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक कितना क्रॉप को मैच्योरिटी के लिए पानी चाहिए. इसी से बेस पीरियड होता है. जैसे कि यहाँ पे हम सीडलिंग किए, सोइंग कर दिए, और सोइंग करने के बाद हम हार्वेस्टिंग किए, तो सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में एक पहला इरिगेशन दिए सोइंग करने के बाद, और हार्वेस्टिंग से पहले एक इरिगेशन दिए वो इरिगेशन. तो ये जो पहला इरिगेशन और हार्वेस्टिंग से पहले इरिगेशन, ये पूरा इरिगेशन पीरियड को बोलते हैं बेस पीरियड. द
द पीरियड ऑफ इरीगेशन विच क्रॉप रिक्वायर्ड फॉर फुल मैच्योरिटी, जितना इरीगेशन चाहिए उसको फुल मैच्योरिटी के लिए, इसको बोलेंगे बेस पीरियड। और ये क्या हुआ, पूरा क्रॉप का पीरियड हुआ, शुरू से जब सीड को लगाए और जब हार्वेस्ट किए तो वो क्रॉप पीरियड। लेकिन जब पहला इरीगेशन दिए उससे बाद जब लास्ट इरीगेशन दिए, इस इरीगेशन को बोलेंगे बेस पीरियड। और ड्यूटी ऑफ वाटर क्या हो रहता है, जितना वाटर का रिक्वायरमेंट होता है शुरू से अंतिम तक, उसको बोलेंगे ड्यूटी ऑफ वाटर। अब आया डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है क्रॉप टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप इन द फील्ड, मतलब टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, कितना डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है क्रॉप के द्वारा। जैसे कि ये डिपेंड करता है, जैसे हम यहाँ क्रॉप है, क्रॉप कितने दिन में बेस पीरियड ले लिए, पहला पीरियड में पहला इरिगेशन जब हम किए तो इस इरिगेशन में हमको 10 सेंटीमीटर तक उसको डेप्थ में नापते हैं वाटर को, 10 सेंटीमीटर तक हम यहाँ पे इरिगेशन दिए वाटर को, तो वाटर इसमें फील्ड में अब 10 सेंटीमीटर तक है। जब दूसरा इरिगेशन का समय आया तो उस समय टेम्परेचर ऐसा था, सॉइल ऐसा था कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ठीक ठाक था, तो यहाँ पे मॉइस्चर ठीक रहा, जिसके कारण अब हमको खाली 5 सेंटीमीटर देने का जरूरत पड़ा वाटर को। फिर जब हुआ तो उस समय और ज़रूरत पड़ा वाटर को देने के लिए, इस बार हमको 15 देना पड़ा। तो ये काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे सॉइल पे डिपेंड करेगा, क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा कि बारिश नहीं हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ पे, या क्रॉप फैक्टर पे डिपेंड करेगा, क्रॉप पे भी डिपेंड करता है, सॉइल पे भी, वेदर पे भी, तो ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो डेप्थ ऑफ वाटर, इसका एवरेज निकाल के जितना भी डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड रहता है बाई क्रॉप का ड्यूरिंग इंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप, इसी को बोलेंगे डेल्टा। ड्यूटी ऑफ वाटर, पूरा ड्यूटी ऑफ वाटर निकालने के लिए तो पूरा कितना पानी जरूरत पड़ा, डेल्टा इंटू बेस पीरियड के हिसाब से, और यहाँ 8.6 इंटू बेस पीरियड अपॉन डेल्टा, तो इससे निकल जाएगा हमारा ड्यूटी ऑफ वाटर। तो ड्यूटी ऑफ वाटर भी दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर, एक होता है नेट ड्यूटी ऑफ वाटर। तो ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, एरिया कमांडेड बाय द फ्लो ऑफ वाटर एज मेजर्ड एट द सोर्स ऑफ सप्लाई, मतलब कि जैसे कोई वाटर है यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर सोर्स ऑफ सप्लाई भी आता है, यहाँ पे सोर्स, कोई सोर्स से उसके बाद यहाँ पे फील्ड में इंटर्ड कर रहा है, तो ये सोर्स में भी तो वाटर का जाहिर सी बात है लॉसेस होगा, कि वो कुछ वाटर इन्फिल्ट्रेट करेंगे, कुछ परकुलेट करेंगे, कुछ रन ऑफ हो सकते हैं, तो बहुत सारे वाटर लॉस हो जाएंगे। तो जो एरिया कमांडेड होता है बाय द फ्लो ऑफ वाटर एज मेजर्ड एट द सोर्स ऑफ सप्लाई, यहाँ सोर्स ऑफ सप्लाई से भी मेजर्ड करेंगे, इट इंक्लूड वेस्टेड इन द चैनल, जो वेस्टेड हो जाता है वो भी, इन एडिशन टू व्हाट इज यूज फॉर मेजरिंग क्रॉप। तो इन सब पूरा वाटर को, जो यहाँ पे चैनल के आने में भी जितना लॉसेस हुआ वो वाटर और फील्ड का वाटर को मिला के पूरा बोलेंगे ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर। और नेट ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, एरिया कमांडेड बाय वाटर डिलीवर्ड एट द फील्ड, यहाँ फील्ड से नापेंगे कि कितना वाटर का रिक्वायरमेंट हुआ, कितना इरीगेशन का रिक्वायरमेंट चाहिए किसी क्रॉप के लिए। तो नेट ड्यूटी ऑफ वाटर फील्ड में तक में होता है, लेकिन जब क्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर करें तो ये सोर्स ऑफ सप्लाई, मतलब जहाँ से आ रहा उधर से भी मिला के, दोनों मिला के होता है, तो क्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर, तो ये होता है क्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर। और फील्ड से जब हम करेंगे तो नेट ड्यूटी ऑफ वाटर, ड्यूटी ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, 8.6 बेस पीरियड अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है कि जितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए उसको डेल्टा बोलेंगे। बेस पीरियड क्या होता है, फर्स्ट इरीगेशन और लास्ट इरीगेशन पीरियड को बेस पीरियड बोलते हैं। फिर होता है कि जो डिफरेंसेस बिटवीन ग्रॉस, मतलब जो ग्रॉस का डिफरेंस और नेट ड्यूटी ऑफ वाटर का डिफरेंस होता है, गिव देता है एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब अगर बहुत जगह से डिस्ट्रीब्यूट जैसे हो के किसी फील्ड में पानी आ रहा है, तो एफिशिएंसी बताता है कि कितना वाटर लूज हुआ और कितना वाटर अच्छा से आ पा रहा है। इसी इफिशियंसी को कौन बताता है, ग्रॉस को माइनस करेंगे नेट से, जाहिर सी बात है ग्रॉस हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो ग्रॉस को माइनस नेट से करेंगे तो वो बताएगा इफिशियंसी के कितना वाटर लॉस हो गया है डिस्ट्रीब्यूटरीज में, डिफरेंट डिफरेंट चैनल में, ट्रैक्स में। फिर आता है वेयर्स, क्या होता है, वेयर्स होता है कि जो ये मेज़र किया जाता है, मेज़र द फ्लो इन एन इरीगेशन चैनल, कोई इरीगेशन चैनल में फ्लो को मेजर करने के लिए यूज होता है, और डिस्चार्ज ऑफ वेल और कैनाल आउटलेट एट द सोर्स। वेयर्स एक टाइप का नॉच होता है जो कि रेगुलर फॉर्म दोज विच इज इरीगेटिंग सिस्टम एंड मेड अप ऑफ फ्लो होता है। देखिए होता क्या है वेयर्स में, वेयर्स होता है जैसे कि कोई स्ट्रीम है, जैसे कोई वेयर्स क्या हुआ, इसको वेयर्स हुआ, जैसे कोई यहाँ पे एक नदी है या कोई एक स्ट्रीम है, कैनाल है, किसी भी तरह का है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक लगा देंगे
वेयर्स को यूज़ करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, या तो रेक्टेंगुलर होता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, वी नॉच का जो कि कॉमनली यूज़ होता है। तो यहाँ पे लगाने के बाद जब ये वाटर आएगा तो यहाँ पे नीचे गिरेगा, जाहिर सा बात है इसको थोड़ा हाइट पे लगा हुआ रहता है। तो ये जो वाटर यहाँ पे जो नीचे से गिर रहा है इसी को नापेंगे डेप्थ, यहाँ पे फ्लो नापेगा, फ्लो ऑफ एन इरीगेशन चैनल, कितने फ्लो हो रहा है इसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है वेयर्स को, वेयर्स को मेजर करता है फ्लो ऑफ एन इरीगेशन चैनल को। सिंपली किसी भी कैनाल रहा, किसी भी सिस्टम में अगर हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं वेयर्स को तो वो फ्लो बताता है। इसे पार्शल फ्लो भी उसी टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जैसे कोई स्ट्रीम से आ रहा है तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर को लगाते हैं जिससे पानी इसमें से होते हुए यहाँ से निकलेगा। और उसमें वेयर्स में क्या करते हैं, वेयर्स में सीधा ऐसे लगा देते हैं जो गिरेगा डायरेक्ट नीचे गिरेगा, जैसे फॉल होता है वाटर, वाटर का इसमें फॉल होता है लेकिन इसमें सीधा वाटर सीधा जाता है। पार्सल्स होता है जो डिज़ाइन किया गया था, डिवाइस होता है यह भी फ्लो ऑफ वाटर को मेजर करता है, वाटर फ्लो जिसको वेंटूरिया फ्लम्स भी बोलते हैं, विच वॉज ग्रेजुअली रिफाइंड बाई पार्सल के द्वारा 1950 में हिमसेल एज पार्सल फ्लो, विच इज़ मोस्ट कॉमन यूज नाउ फॉर वाटर फ्लो मेजरमेंट। वाटर फ्लो मेजरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है ये, मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइड होता है पार्सल फ्लो और वी नोचेस। तो यही था वेयर्स और पार्सल फ्लो दोनों क्या करते हैं, दोनों करते हैं फ्लो ऑफ इरीगेशन चैनल, ये भी फ्लो को ही मेजर करने के लिए यूज होते हैं। फिर आता है मेथड्स ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन का क्या क्या मेथड्स है। मेथड्स ऑफ इरीगेशन में सबसे पहले आता है सरफेस इरीगेशन, सरफेस इरीगेशन में आता है फ्लडिंग। फ्लडिंग कॉमनली हुआ कि कोई एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड में हम लोग सिंपल पानी को छोड़ दिए तो वो पूरा को फैला देगा, तो एक्सक्लूसिवली यूज फॉर लो लैंड, जाहिर सा मतलब लो लैंड में यूज होता है, जैसे राइस हुआ, थ्रू फॉर अदर क्रॉप्स ऑल्सो मिनिमम लेबर इंटेंसिव, जाहिर सा बात इसमें लेबर नहीं लगता क्योंकि एक ही जगह आपको ओपन करना है और किसी के थ्रू वहाँ पे वाटर को सप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वाटर पूरी जगह ऑटोमेटिक फ्लो हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला सिस्टम है फ्लडिंग। चेक बेसिन सिस्टम में क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेथड है ये भी, मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि स्प्रेडिंग टाइम ऑफ वाटर इज लो, मतलब कि स्प्रेडिंग टाइम होता है वो कम होता है, टू मिनिमाइज परकोलेशन लॉसेज, सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, जितने भी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है उनके लिए सुटेबल होता है। द साइज ऑफ चेक बेसिन रेंजेस फ्रॉम 5x3 के हिसाब से, 6x5 के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम साइज एंड सॉइल टेक्सचर के हिसाब से हम लोग चेक बेसिन मेथड को करते हैं। चेक बेसिन मेथड ये बिल्कुल चेक बेसिन मेथड है कि वाटर आ रहा है और यहाँ पे एंटर कर रहा है, चेक बेसिन चेक यहाँ पे जहाँ जहाँ हम लोग को फील्ड में करना है वहाँ से खोल देंगे तुरंत यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा, तो चेक बेसिन ये हुआ। इसका एडवांटेज क्या होता है, वाटर एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली, हर जगह वाटर बराबर में फैलेगा जिस तरह हमको फैलाना है। डिसएडवांटेज क्या होता है, लेबर रिक्वायरमेंट इज मोर फॉर फील्ड लेआउट, फील्ड का लेआउट, फील्ड को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ता है और इरीगेशन करने के लिए वेस्टेड ऑफ लैंड हो जाता है ज़्यादा ज़्यादा, जैसे यहाँ पे बहुत सारा बनाना पड़ा, अगर फ्लडिंग करते तो एक साथ यहाँ पे रहते, ओपन करते और सबको कर देते तो लैंड वेस्टेज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारा बंड्स बनाने में लैंड का भी वेस्टेज बहुत सारा हो गया, तो वेस्टेज ऑफ लैंड इज मोर अंडर चैनल और बंड्स बनाने में। इंटरकल्चर और कल्टीवेशन इज डिफिकल्ट ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय बंड, इंटरकल्चर करने में भी प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हर जगह बंड्स बना हुआ है तो इंटरकल्चर ऑपरेशन करने में भी प्रॉब्लम होता है। फिर आता है रिंग बेसिन मेथड, कोई भी प्लांट है सिंपल से उसको प्लांट के बीच में गोला कर दिया और वहाँ पर इरीगेट कर दिए। हेयर बेसिन अराउंड द ट्री आर मेड सुटेबल फॉर फ्रूट ट्रीज, जनरली फ्रूट ट्रीज के लिए सुटेबल रहता है बेसिन, आर जनरली राउंड इन शेप में रहता है, ओकेजनली स्क्वायर इन शेप, कभी कभी स्क्वायर भी रहता है, राउंड भी रहता है, जिस तरह का है तो उसको रिंग बेसिन मेथड बोलते हैं। फिर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, बॉर्डर से पट्टाधारी बना हुआ रहता है, फील्ड इज लेड आउट इन टू लॉन्ग, फील्ड को ले आउट किया जाता है इन टू लॉन्ग में, बड़ा बड़ा ऐसे फील्ड को बना दिया जाता है। नैरो स्ट्रिप बॉर्डरिंग विद स्मॉल बंड्स, नैरो स्ट्रिप को बॉर्डर किया जाता है स्मॉल बंड्स के थ्रू। लेंथ ऑफ स्ट्राइप वेरीज फ्रॉम, जो स्ट्राइप का जो पट्टी का जो लेंथ होता है वो 30 से 300 मीटर तक होता है एंड वाइड फ्रॉम 3-15 मीटर तक होता है। हाउएवर द मोस्ट कॉमन साइज इज 30-50 मीटर इन लेंथ टू 3-5 मीटर इन वेथ। स्लोप रेंजेज इन 0.1 से 1% तक स्लोप होता है, मतलब यहाँ पे स्लोप 0.1 से 1% तक स्लोप है तो वहाँ पे बॉर्डर स्ट्रिप मेथड कॉमनली यूज होता है। सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, ये भी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप के लिए सुटेबल रहता है एंड मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉइल के लिए, बट नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल, ये सैंडी सॉइल के लिए सुटेबल नहीं होगा तब क्योंकि तो वाटर का लॉसेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो
तो ये बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ये बॉर्डर स्ट्रिप मेथड रहा। इसका डिमेरिट क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का नहीं हो पाता है। मेरिट क्या हुआ, लार्ज इरीगेशन स्ट्रीम कैन बी इफेक्टिवली यूज, लार्ज इरीगेशन, ज़्यादा इरीगेशन हम लोग इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। फिर आता है फुरो मेथड। फुरो मेथड क्या है, फुरो मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें रीज और फुरो बनाया जाता है जो कि सुटेबल होता है कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए, जैसे सोरगम रहा, मेज रहा, कॉटन रहा, टोबैको रहा, ब्रिंजल रहा, टोमेटो रहा, पोटैटो रहा, शुगर केन रहा। जो फुरो का लेंथ रहता है वो 30 से 300 मीटर तक होता है। और कुछ कुछ वेरिएशन किया जाता है फुरो में डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, चाहे वो सॉइल का हो, क्लाइमेट का हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन फुरो को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बनाया जाता है। सबसे पहला जो आता है वो होता है कोरुगेशन। ये जो होता है स्मॉल भी होता है, सैलो फुरो होता है जिसको कोरुगेशन बोला जाता है। तो स्मॉल और सैलो फुरो जो रहता है उसको कोरुगेशन बोला जाता है। ये समटाइम प्रिपेयर किया जाता है ब्रॉड स्ट्रिप मेथड में इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए और यूनिफॉर्मिटी को बढ़ाने के लिए, कि ओवर फ्लडिंग के फ्रॉम दी डिचेस के सुटेबल रहता है। ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप लाइक वीट, सेटेरिया और ग्राउंड नट के लिए ये ज़्यादातर सुटेबल रहता है। कोरुगेशन क्या हुआ, जहाँ पे स्मॉल और सैलो बनता है। और शॉर्ट फुरो क्या हुआ, शॉर्ट फुरो जनरली ये किचन गार्डन में यूज़ होता है, शॉर्ट स्ट्रीम, जहाँ से शॉर्ट स्ट्रीम आता है उन सब जगह के लिए बेस्ट रहता है, जिसमें 5 से 6 मीटर लेंथ ही रहता है फुरो का, 5 to 6 रोज रहता है, जो कि ग्रुप रहता है इनटू बेसिन्स यूज्ड टू इरीगेट किचन गार्डन। जनरली ये किचन गार्डन में ही यूज़ होता है इरीगेट करने के लिए। फिर जो कोरुगेशन और शॉर्ट फुरो जो रहता है ये किसके अंदर आता है, एवरी फुरो इरीगेशन। तो एवरी फुरो इरीगेशन के अंदर शॉर्ट फुरो और कोरुगेशन दो इसके अंदर में आता है। उसके बाद आता है स्किप इरीगेशन या अल्टरनेट फुरो इरीगेशन। स्किप इरीगेशन अल्टरनेट फुरो इरीगेशन में क्या होता है, जैसे कोई ये रिज और फुरो बना हुआ है तो इसमें इस लाइन में अगर हम लोग इरीगेशन दे रहे हैं तो इस लाइन को स्किप करेंगे अल्टरनेट, इसके बाद एक छोड़ के यहाँ इरीगेशन देंगे, फिर एक छोड़ के यहाँ इरीगेशन देंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट फोरो में इरीगेट करते हैं एक एक छोड़ के, इसलिए इसको स्किप इरीगेशन भी बोलते हैं और अल्टरनेट फोरो इरीगेशन भी बोला जाता है, जिसमें वाटर अप्लाइड होता है एक साइड ऑफ ईच क्रॉप रोज में, देयर फॉर वाटर अप्लाइड इज रिड्यूस्ड। तो वाटर अप्लाइड जो रिड्यूस हो जाता है 25 से 35% तक, जो कि यूज होता था एवरी फोरो इरीगेशन में। तो इसके साथ क्रॉप यील्ड में भी रिड्यूस टू 2 से 16%, तो क्रॉप यील्ड भी रिड्यूस हो जाता है इस केस में। फिर आता है वाइड स्प्रेड फुरो इरीगेशन, इसमें जो रहता है फुरो जो रहता है 2 से 5 मीटर में अपार्ट में रहता, अलग में रहता है, हैविंग टू और मोर देन टू क्रॉप्स रोज आर इरीगेटेड। दो या दो से ज़्यादा क्रॉप का जो रो रहता है उसको इरीगेटेड किया जाता है। द एडवांस ऑफ वाटर इज स्लो रहता है इस केस में, जो कंपेयर करें तो EFI से, एवरी फुरो इरीगेशन से कंपेयर करें तो इसमें वाटर जो रहता है स्लो रहता है। द वाटर अप्लाइड इज अबाउट हाफ ऑफ द वाटर अप्लाइड, तो आधा पानी भी अप्लाइड किया जाता है इस केस में। और इसमें होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा जो क्रॉप का रो रहता है इसमें इरीगेट किया जाता है। फिर आता है विद इन रो इरीगेशन, ये स्लाइटली डिफरेंस होता है, जैसे एवरी फुरो इरीगेशन रहा मेथड्स ऑफ प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप। ये सब केसेस जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिज बना हुआ रहता था तो और सब केसेस में क्या करते थे, प्लांट इसमें लगाते थे रिजेस में प्लांट लगाते थे, उसके बाद हम लोग इरीगेशन फुरो में देते थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, प्लांट जो सीड लगेगा वो फुरो में ही लगा के इसको कम इरीगेशन देंगे। लेकिन इसमें हर क्रॉप को हम लोग इस टाइप का नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हर क्रॉप को इस टाइप का करेंगे और डायरेक्टली वाटर को यहाँ पे दे देंगे तो सीडलिंग स्टेज में ही रूट डिके से वो मर जाएगा प्लांट। तो ये हर प्लांट के लिए सुटेबल नहीं है, बट ये ऐसा होता है जहाँ पानी कम लगता है या पानी कम होता है। जैसे ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर एवरग्रीन इरीगेशन इन दिस मेथड प्लांटिंग द क्रॉप, सच मेथड एम एट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाइड फॉर ईच इरीगेशन। हेयर आप प्री सोइंग इरीगेशन इज गिवेन, प्री सोइंग इरीगेशन दिया जाता है, सीड को जो प्लांट किया जाता है फुरो में ही डाल दिया जाता है। सब्सिक्वेंट इरीगेशन इज गिवेन टू अ सैलो डेप्थ, और इरीगेशन दिया जाता है सैलो डेप्थ तक फुरो में। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्ट्रॉय इरीगेशन 40% लेस जो होता है वाटर का रिक्वायरमेंट हो जाता है इसके कारण। फिर आता है मेरिट ऑफ फुरो इरीगेशन, तो वाटर जो अप्लाइड होता है फुरो में कॉन्टैक्ट करता है ओनली 1/2 or 2 1/4 of the land surface, therefore reducing evaporation losses. तो evaporation जो losses होता है इससे कम हो जाता है, crust problem जो इससे होता है
अवॉइडेड हो जाता है, इंटरकल्चर पॉसिबल हो पाता है और लेबर रिक्वायरमेंट फॉर इरीगेशन इज लेस। तो मेरिट क्या है, लेबर कम लगता है इसमें, इरीगेशन इंटरकल्चर इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशन कर पाते हैं, क्रस्ट का क्रस्ट नहीं बन पाता, छोटा छोटा हार्ड पैंड नहीं बन पाता है सॉइल का, और ये इसमें इवोपरेशन को लॉसेस को भी ये कम करता है। अब आता है सर्ज इरीगेशन। सर्ज इरीगेशन जो सबसे मेन है वो इसके पहले वर्ड में ही छुपा हुआ है कि इंटरमीटेड मतलब क्या होता है। तो इंटरमीटेड मतलब होता है कि ऐसा मेथड ऑफ इरीगेशन जो एक्टिवली हो या पैसिवली हो, ड्राइंग किया जाता है फील्ड को फॉर सेवरल डेज के लिए। जब हम लोग कोई फील्ड को सेवरल डेज के लिए ड्राइंग करते हैं तो उसको बोलते हैं, तो इंटरमीटेंट एप्लीकेशन इसमें देते हैं वाटर का, मतलब कि हम लोग ड्राई स्पेल देते हैं वाटर का, फिर वो इरीगेशन देते हैं टू द फील्ड सरफेस। फील्ड सरफेस अंडर ग्रेविटी फ्लो विच रिजल्ट इन अ सीरीज ऑफ ऑन एंड ऑफ मोड ऑफ कॉन्टैक्ट और वेरिएबल टाइम स्पेड। ऑन एंड ऑफ मोड मतलब कि हम लोग कुछ दिन के लिए कुछ वीक के लिए लैंड को वाटर नहीं देंगे, फिर वाटर देंगे, फिर लैंड को वाटर नहीं देंगे, इसको बोलते हैं सर्ज इरीगेशन। इस टाइप को इरीगेशन जो बोलेंगे इसको बोलेंगे सर्ज इरीगेशन। इसका फायदा क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन यूनिफॉर्मिटी इज इंक्रीज। जाहिर सब आता है कि जब लैंड सूख जा रहा है, अनसेचुरेटेड सॉइल बन जा रहा है, तो अब उसको देंगे तो फिर से इन्फिल्ट्रेशन होगा, तो इन्फिल्ट्रेशन इसमें बढ़ जाता है, डीप परकुलेशन घट जाता है, क्योंकि अगर वाटर जब ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अपर लेयर तक ही वाटर ज़्यादा तक मिल पा रहा है, तो डीप परकुलेशन होने का सवाल ही नहीं होता, इससे डीप परकुलेशन भी रिड्यूस हो जाता है और इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। तो आता है कैबलेगेशन मेथड। कैबलेगेशन मेथड क्या होता है कि ऐसा मेथड होता है, ऑटोमेटिक मेथड, जो वाटर को भी सेव करता है और लेबर को भी सेव करता है। इसमें हम लोग पाइप का यूज़ करते हैं, जनरली ये डाउन स्लोप एरियाज में यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट फोरोज बना हुआ है तो उसमें गेटेड पाइप यूज़ किया जाता है और इस पाइप के थ्रू इरीगेशन दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फोरो में। तो ये स्लोप होता है ऑटोमेटिक ये नीचे चला जाएगा, तो ये डाउन मूव डाउन स्लोप में ऐसा जगह होता चाहिए जहाँ स्लोपी एरिया थोड़ा होता है, गेटेड पाइप को सिस्टम को यूज़ किया जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है जो कि इरीगेशन के लिए यूज़ होता है। तो इस मेथड को बोलते हैं कैबलिगेशन मेथड। सब सरफेस ऑफ सब सॉइल इरीगेशन क्या होता है, ये अंडरग्राउंड परफोरेटेड पाइप इसमें यूज किया जाता है, इसमें अंडरग्राउंड इरीगेशन किया जाता है, सॉइल में नहीं किया जाता है, इसमें सरफेस सॉइल में नहीं, इसको सब सरफेस सॉइल में इसको इरीगेशन किया जाता है, जिसमें ट्रेंचेस बना दिया जाता है 15 से 30 मीटर इंटरवल में, जिसके कारण रूट जोन ऑटोमेटिकली उसमें वेट हो जाता है कैपिलरी मूवमेंट के कारण में। मेरिट क्या होता है इसका, जाहिर सी बात है कि ये सरफेस में नहीं है, सब सरफेस है, जमीन के अंदर में होता है, तो इवेपोरेशन लॉसेस कम हो जाएगा, वीट प्रॉब्लम कम हो जाएगा, डीप ट्रेंचेज में भी यूज फॉर ड्रेनेज, और जो ये ट्रेंचेज है ये ड्रेनेज पर्पज के लिए भी यूज हो जाएंगे, सूटेबल वेयर वाटर टेबल इज सैलो, जब वाटर टेबल कम होता है सैलो होता है तो उस जगह के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। डीमेरिट क्या होता है, डीप परकुलेशन थ्रू ट्रेंचेज, जाहिर सी बात है वाटर लॉसेस काफ़ी होगा परकुलेशन के कारण में, मेंटेनेंस ऑफ पाइपलाइन इज डिफिकल्ट, पाइप जब अंदर में रहेगा तो उनका मेंटेनेंस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सच मेथड इज प्रैक्टिस इन केरला फॉर कोकोनट गार्डन एंड इन काश्मीर फॉर वेजिटेबल। तो ऐसा मेथड कहाँ यूज़ होता है, केरला और काश्मीर में यूज़ किया जाता है। फिर आता है स्प्रिंकलर इरीगेशन, तो वाटर जो होता है इज अप्लाइड एज अ स्प्रे और एज रेन ओवर द क्रॉप, तो फुहारा टाइप का यूज़ किया जाता है या रेन टाइप का वाटर इसको स्प्रे किया जाता है। रेट ऑफ वाटर डिलीवरी इज मोर देन 1000 मीटर पर लीटर से भी ज़्यादा इसमें डिलीवरी हो जाता है आधा घंटा के अंदर में। इट ऑपरेट एट अ प्रेशर ऑफ मोर देन 2.5 bar एंड थ्रो वाटर एज अ स्प्रे अप टू द डिस्टेंस मोर देन 10 meter। 10 meter तक ये वाटर स्प्रे कर सकता है वाटर को। अब मेरिट क्या होता है, नो कन्वेंशनल लॉसेज नहीं होता है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर होता है, एरीगेबल एरिया इज इंक्रीज बाय 1.5 to 2 times विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर से 1.5 to 2 गुना ज़्यादा हम लोग इरीगेशन कर सकते हैं, और सेविंग ऑफ वाटर 25 से 50% तक हो जाता है फॉर डिफरेंट क्रॉप्स के हिसाब से। सेविंग होता है 10 से 16% तक लैंड का भी सेविंग हो जाता है, रन ऑफ और इरोजन का भी टेंशन नहीं होता है, तो रन ऑफ इरोजन नहीं होगा, लैंड भी सेव होगा, वाटर भी सेव होगा, इरीगेशन ज़्यादा हो पाएगा, यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो जाता है, कोई भी लॉसेज नहीं होता किसी भी तरीके से। सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल सैलो सॉइल वेयर लैंड लेवलिंग इज डिफिकल्ट, जहाँ पे लैंड लेवलिंग डिफिकल्ट होता है उस जगह के लिए भी काफ़ी सुटेबल हो जाता है। सुटेबल फॉर एरियाज वेयर वाटर एंड लेवल स्कार्सिटी होता है उस जगह के लिए भी, सुटेबल फॉर सैलाइन सॉइल टू लीच साल्ट के लिए भी होता है। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर बिफोर
frost occurrence, help in maintenance the higher temperature and minimize the frost damage. तो ये भी बचाता है. फिर आता है demerit, क्या होता है, not use under high wind velocity. जब विंड वेलोसिटी ज़्यादा आ जाएगी तब आता है कि वाटर का डायरेक्शन चेंज कर देगा. नॉट सुटेबल फॉर एरिया विथ हॉट ड्राई विंड, जहाँ हॉट ड्राई विंड होगा वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होने लगेंगे. फिर पावर रिक्वायरमेंट आर यूजुअली हाई सिंस इट ऑपरेट एट अ प्रेशर ऑफ 0.5 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पावर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, हाई इनिशियल कॉस्ट भी लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज भी इससे स्प्रेड होता है. फिर आता है ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन. ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन क्या होता है, तो ये इसराइल के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जिसमें डिस्चार्ज इट ऑफ वाटर पर ट्रिपल इज जनरली 1 से 4 लीटर हर घंटे में इसमें होता है, और स्प्रिंकलर में जैसे 1000 से ज़्यादा हो जाता था, इसमें 1 से 4 लीटर हर घंटे में होता है. एंड वाटर डिफ्यूजेस बाय द कैपिलरी एक्शन इन दिस सॉइल. वाटर जो अंदर जाता है वो कैपिलरी एक्शन से जाता है सॉइल में. इट कंसिस्ट ऑफ मेन पाइप, एक मेन पाइप रहता है, फिर उससे सब पाइप रहता है, फिर लेटरल पाइप रहता है और इमीटर्स रहता है. तो यार इस टाइप का इसमें प्रोसेस बना हुआ रहता है ड्रिप इरीगेशन में. अनलाइक स्प्रिंकलर हेड्स, इमीटर रिलीज वाटर विदाउट एनी प्रेशर. द डिस्चार्ज ऑफ मोस्ट इमीटर रेंजेस बिटवीन लेस देन 1 लीटर पर हेक्टेयर टू 15 से 20 लीटर पर हेक्टेयर. जो डिस्चार्ज होता है ज़्यादातर रेंजेस किस में रहता है, 1 लीटर से 15 से 20 लीटर तक में. द नंबर ऑफ इमीटर पर यूनिट एरिया डिपेंड अपॉन द प्लांट स्पेसिंग के हिसाब से इमीटर को होता है, कितने इमीटर्स यूज होंगे सॉइल कैरेक्टर्स के स्टिक के हिसाब से, रूट डेवलपमेंट के हिसाब से डिस्चार्ज ऑफ इमीटर्स होता है. द लेटरल इज लूप्ड अराउंड द बेसिन ऑफ द प्लेन सो एज टू गेट मोर नंबर ऑफ इमीटर फॉर ईच प्लांट. द इरीगेशन इंटरवल इज 1 से 4 डेज. इट सेव 50 से 70% ऑफ वाटर एंड इवन मोर. तो 50 से 70% तक वाटर को सेव कर सकता है. इरीगेशन इंटरवल 1 से 4 दिन तक में होता है. मेरिट क्या होता है, वेस्ट सुटेबल एरिया ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेज, जहाँ पे एक्यूट वाटर शॉर्टेज है, ज़्यादा वाटर का कमी है उस जगह के लिए काफ़ी अच्छा होता है. डीप पर्कुलेशन, सर्फेस रन ऑफ, इवेपोरेशन लॉसेज भी इसे खत्म हो जाता है. वाटर इज मेंटेन एट फील्ड कैपेसिटी ऑल तो ये हो जाता है. साल्ट कंसेंट्रेशन इसमें लेस होता है, इवन इन सैल्टी सॉइल ड्यू टू हाई मॉइस्चर कंटेंट के कारण इसमें साल्ट कंसेंट्रेशन कम हो जाता है. नो लैंड लेवलिंग इज नेसेसरी. लैंड लेवलिंग का कोई जरूरत नहीं होता है. हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर जो होता है अप्लाइड होता है टू द क्रॉप बाय सोलबिलाइजिंग इन टू द इरीगेशन वाटर. तो हर्बिसाइड अगर होता है तो हर्बिगेशन बोलते हैं, मतलब हर्बिसाइड मिला दिया जाए इरीगेशन में, और फर्टिलाइजर मिला जाए तो फर्टिगेशन बोलते हैं. तो ये सब मिला के भी डायरेक्टली इरीगेशन कर सकते हैं ड्रिप इरीगेशन के थ्रू में. एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है. लेस डिजीज एंड वीज इन्फेस्टेशन भी होता है, डिजीज भी नहीं फैलेगा, वीज इन्फेस्टेशन भी कम होता है. डीमेरिट क्या होता है, क्लॉगिंग ऑफ इमीटर, इमीटर में क्लॉग हो जाता है. डैमेज टू द लेटरल सिस्टम ड्यू टू द रोडेंट एंड अदर एनिमल के कारण इसका सिस्टम, लेटरल सिस्टम खराब हो जाता है. साल्ट एक्यूमुलेशन नियर प्लांट ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशियंट वाटर फॉर लीचिंग. वाटर इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जिसके कारण साल्ट का जो एक्यूमुलेशन होता है रूट जोन के नियर में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है. इनएडिक्वेट रूट डेवलपमेंट, रूट का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग इसमें नॉर्मल वाटर ही यूज़ करते हैं. फ्रीक्वेंट इंस्टॉलेशन एंड रिट्रीवल ऑफ द सिस्टम फॉर एनुअल क्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ता है एनुअल क्रॉप के लिए. हायर इनिशियल कॉस्ट लगता है ड्यू टू द लिमिटेड वेटिंग जोन. द एंटायर सॉइल वॉल्यूम इज नॉट एक्सप्लॉइटेड, हाउएवर इट इज ओवरकम बाय द हाई मॉइस्चर इन द रूट जोन. क्योंकि लिमिटेड वेटिंग जोन्स होता है, कम जगह भींगता है, जिसके कारण एंटायर सॉइल वॉल्यूम नहीं भींग पाता है. तो हाउएवर इट इज ओवरकम बाय हाई मॉइस्चर इन द रूट जोन. रूट जोन में यह हाई मॉइस्चर के कारण ओवरकम हो जाता है. More suitable for widely spaced crop, orchard tree and vegetable like apple, mango, lemon, tomato, brinjal, cotton, etc. ये सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये suitable होता है. फिर देखो जब टाइफून सिस्टम और ड्रिप इरीगेशन क्या होता है, तो ये इट इज एन इफिशियंट ड्रिप इरीगेशन फॉर शुगर केन. तो ये शुगर केन में यूज़ होता है टाइफून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरीगेशन, जो कि यूज़ करता है लेस देन 50% ऑफ वाटर नीडेड टू रेज द क्रॉप. जितनी क्रॉप की जरूरत होती है कन्वेंशनल इरीगेशन मेथड अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो उससे 50% इरीगेशन ये कम यूज़ करता है. डेवलप्ड इन इसराइल में फॉर इरीगेशन रो प्लांटेड क्रॉप, इट इज़ यूज इन हवाइन शुगर प्लांटेशन. तो ये इस शुगर प्लांटेशन में यूज़ होता है. फिर आता है माइक्रो इरीगेशन क्या होता है.
तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वाटर इज अप्लाइड एट लो रेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो होता है फ्रीक्वेंट इंटरवल में हो सकता है, डायरेक्ट इनटू द प्लांट रूट जोन हो सकता है, फिर होता है वाया लो प्रेशर डिलीवरी सिस्टम के थ्रू भी आराम से हो सकता है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरीगेशन आर करेक्टराइज अंडर माइक्रो इरीगेशन, तो ये सब माइक्रो इरीगेशन कौन कौन होता है, तो ड्रिप इरीगेशन और माइक्रो जेट इरीगेशन इसके अंदर आता है, जिसमें वाटर लीव्स द जेट एट अ प्रेशर ऑफ नियरली वन बार। तो जो माइक्रो जेट इरीगेशन में क्या होता है, वाटर जो जेट से रिलीज होता है किस प्रेशर में, एक बार के प्रेशर में, थ्रू वाटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 से 4 मीटर तक का वाटर डिस्टेंस कवर कर पाता है। वाटर डिस्चार्ज रेट जो होता है 5 से 160 लीटर तक पर आवर डिलीवर कर देता है। फिर माइक्रो स्प्रिंकलर जो होता है, जो वाटर डिस्चार्ज करता है 28 से 2 to 3 लीटर पर आवर, ऑपरेटिंग प्रेशर इसमें 0.8 से 4 बार तक होता है, डिस्टेंस ये 0.9 से 4 मीटर तक कर सकता है, सूटेबल फॉर फॉरेस्ट्री के लिए सूटेबल होता है। फिर आता है बबलर इरीगेशन जो होता है, वर्टिकल रेजर्स आर एंकर्ड टू स्टेक और पोस्ट एंड देयर हाइट आर सो एडजस्ट दैट दे डिलीवर वाटर एट द रेट डिजायर। मतलब बबलर इरीगेशन में क्या होता है, वर्टिकल रेजर्स होता है जो पकड़ा हुआ रहता है स्टेक्स को और पोस्ट को, देयर हाइट इस तरीके से उस हाइट को एडजस्ट किया जाता है कि वो डिलीवर कर सकते हो वाटर को उसके डिजायरेबल रेट में। वाटर बबल आउट ऑफ ओपन वर्टिकल ट्यूब, ओपन जो वर्टिकल ट्यूब रहता है उससे वाटर बबल निकलता है और प्रैक्टिस्ड इन मैंगो कोकोनट और एसेक्ट्रा ये सब में प्रैक्टिस होता है। फिर पडिंग क्या होता है, इरीगेशन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप इज नोन एज पडिंग या पडलिंग। क्रॉप को सोइंग करने से पहले अगर इरीगेशन दिया जाता है उसको पडलिंग कहा जाता है। इरीगेशन देके उस पर हम लोग हैरोइंग करते हैं या फ्लो यूज़ करते हैं कि उसको लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसमें रह सके, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं पडलिंग को कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सॉइल में रहे, इसीलिए उसको इरीगेशन करके उसमें हम लोग फ्लोइंग कर देते हैं। फिर ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज होता है जब एग्रीकल्चर ड्रेनेज या ड्रेनेज कहे तो ये सिंपल होता है कि रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर जो होता है नोन एज फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर फ्रॉम द सरफेस और बिलो द सरफेस ऑफ द फार्म लैंड सो एज टू क्रिएट द फेवरेबल सॉइल कंडीशन फॉर द प्लांट ग्रोथ के लिए। जनरली ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज मतलब होता है कि कोई भी एक्सेस वाटर को रिमूव करना फील्ड से, उसको बोलते हैं ड्रेनेज के लिए। काउजेज ऑफ वाटर लॉगिंग क्यों हो जाता है, नेचुरल काउजेज होता है कि पुअर नेचुरल ड्रेनेज ऑफ सब सॉइल, नेचुरल ड्रेनेज नहीं कर पाता है सब सॉइल और सबमर्ज अंडर फ्लड, फ्लड के अंदर जब डूब जाता है तब ये नेचुरल के कारण। आर्टिफिशियल क्या होता है, हाई इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिव टू द सॉइल एंड सब सॉइल, जितनी सॉइल होता है उसके मुताबिक ज़्यादा इंटेंसिटी में अगर इरीगेशन कर दे तब ऐसा केस आ जाती है। हैवी सीपेज ऑफ लॉसेस फ्रॉम अनलाइन कैनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फार्म वाटर कोर्सेज, अगर कहीं पे हैवी सीपेज ऑफ लॉसेस मतलब कोई कैनाल वनाल से ज़्यादा सीपेज होने लगता है तब ये प्रॉब्लम आ जाता है। इनक्लोजिंग इरीगेशन इरीगेटेड फील्ड विद एम्बार्कमेंट और चोकिंग अप नेचुरल ड्रेनेज, ऐसा इनक्लोज कर देना इरीगेटेड फील्ड जहाँ पे होता है उनको बंद कर देना विद एम्बार्कमेंट और चोकिंग अप विद नेचुरल ड्रेनेज से चोक कर देना उन सबको, तब ये प्रॉब्लम आएगा। हाइड्रोलिक प्रेशर फ्रॉम अपर सैचुरेटेड एरिया एट हायर एलिवेशन में, हाइड्रोलिक प्रेशर का बढ़ा देना सैचुरेटेड एरिया में, नो मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल ड्रेनेज और ब्लॉकिंग ऑफ नेचुरल ड्रेनेज, कोई मेंटेनेंस नहीं करना नेचुरल ड्रेनेज को या ब्लॉक कर देना नेचुरल ड्रेनेज, जो नेचुरली जहाँ से वाटर डिस्चार्ज होता है वैसे जगह को ब्लॉक कर देना। तो इन सब का मेथड क्या होता है, एक तो होता है सरफेस ड्रेनेज, एक होता है सब सरफेस ड्रेनेज। तो सरफेस ड्रेनेज क्या होता है, सरफेस ड्रेनेज सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन जो होता है इंडिया में यूज होता है, जिसमें हम लोग कोड़ते हैं ओपन ड्रेन्स, नली को कोड़ते हैं, नाली को कोड़ते हैं एट सुटेबल इंटरवल और डेप्थ में, सुटेबल इंटरवल और डेप्थ में नालियां बना देते हैं जिसके कारण वाटर जो होता है आराम से वहाँ से रिमूव हो जाए, एक्सेस वाटर रिमूव कर देते हैं, इसी को बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। इसका मेरिट क्या होता है, ये सस्ता होता है, कोई भी डिफेक्ट आएगा तो इजिली सीन हो जाता है और लेस ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता आउटलेट हम लोग को निकालने के लिए, कम में आउटलेट में भी आराम से हो जाता है। सम लैंड इज वेस्टेड फॉर ओपन ड्रेन्स, जो लैंड ओपन ड्रेन्स के लिए यूज़ करते हैं वो वेस्टेड हो जाते हैं, कुछ कुछ कॉ हिंड्रेंस करते हैं फील्ड प्रिपरेशन और इंटरकल्चर ऑपरेशन में प्रॉब्लम करते हैं,
पीरियोडिकली डिसलिंग नेसेसरी होता है कि उनको हटाना फिर बनाना, ये सब हैवी वीट ग्रोथ हो जाता है जिसके कारण इट में भी डैमेज बाय रेडिएंट एंड फार्म एनिमल के कारण ये सब डैमेज भी हो सकता है। देयर आर सेवरल मेथड एंड सिस्टम फॉर सरफेस ड्रेनेज, ज़्यादा बहुत सारे मेथड हैं सरफेस ड्रेनेज और सिस्टम के। हैविंग थ्री फंक्शनल पार्ट, लेकिन सब में तीन फंक्शनल पार्ट होता है। एक होता है कलेक्शन, कलेक्शन करना, डिस्पोजल रिमूवल कर देना, फिर आउटलेट सिस्टम के थ्रू उनको हटा देना, फिर ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरियाज। कहाँ पर ड्रेनेज, जहाँ पे फ्लैट एरिया मतलब जहाँ पे स्लोप 2% से कम हो, फॉर फ्लैट एरिया टू प्रोसेस आर अडॉप्टेड, दो प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, जैसे स्मूदनिंग रहा, ग्रेडिंग रहा, फॉर्मिंग रहा। मीन्स ऐसा जमीन जो कि विद कंटिन्यूअस स्लोप, ऐसा जमीन जहाँ पे कंटिन्यूअस स्लोप है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, मतलब कि अगर कोई अनड्यूलेटिंग लैंड है, ऊपर खाबड़ जमीन है, वहाँ पे एलिवेटेड एरिया को हम लोग कट करेंगे, मतलब ये जो एलिवेटेड एरिया को कट करेंगे और एक्सेस सॉइल को स्प्रेड कर देंगे लोअर लैंड में, कि वो सरफेस बिकम इवन, मतलब एक टाइप का सरफेस हो जाए, यूनिफॉर्म स्लोप बन जाए, जिसके कारण जो एक्सेस जो रन ऑफ होता है वो कलेक्टेड हो जाए, जो रन ऑफ होकर वाटर जो लॉसेस होकर निकल जा रहा है वो कलेक्शन हो जाए, यूज़ किया जाए फील्ड में, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट डिचेस बना के उसको आराम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्मूदनिंग मतलब स्मूथ कर देना लैंड को, लेबरिंग में लेते आना। फिर आता है फील्ड डिचेस सिस्टम, इसमें डिचेस बनाते हैं हम लोग, कैसे होता है, सबसे पहले आता है बेडिंग सिस्टम। बेडिंग सिस्टम में क्या होता है, स्मॉल फरोज को बनाया जाता है नॉन इंटरवल में, जो कि पैरलर रहता है स्लोप के, फॉर ड्रेनेज आउट वाटर, वाटर को निकालने के लिए इसको बनाया जाता है। इन फरोज को डेड फरो बोला जाता है, जो लैंड रहता है उसको बेड बोला जाता है। ये फिगर से हम सिंपली समझ सकते हैं कि जो सैलो बना फरोज बनाया जाता है, जो कि खाई में जो कलेक्टिंग डिच रहता है, उसके बाद आउटलेट डिच के थ्रू आराम से रिमूव कर दिया जाता है, जो कि स्लोप के पैरलर में बनाया जाता है, फरोज को डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल में बनाया जाता है। लेकिन जो पैरलर फील्ड डिच में क्या होता है, इसमें सिमिलर रहता है बेडिंग सिस्टम से, लेकिन जो इसमें ड्रेन्स जो बनाए जाते हैं वो बड़ा बड़ा बनाए जाते हैं, और अनइवन कहीं पे भी बना दिया जाते हैं ड्रेन्स को, नालिया को कहीं पे भी बना देते हैं। और मोस्ट इफेक्टिव यूज होता है ये इरिगेशन और रेनफेड कंडीशन में, जहाँ पे रहता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ होने वाला सिस्टम है। इसमें सिंपली देख सकते हैं कि लैंड है, लैंड में एक यहाँ पे बनाया गया है, फिर इसके पैरलर में बनाया गया है, कहीं कहीं पर ड्रेन्स भी बना दिया गया है, और यहाँ पर सिंपल जो आउटलेट होता है आउटलेट के थ्रू इसको निकाल दिया गया है। पैरलर ओपन फील्ड डिच, जो ओपन पैरलर फील्ड डिच और पैरलर ओपन फील्ड डिच में यह अंतर है कि यहाँ पे जितने भी हम लोग बना रहे थे डीपर ही इन डेप्थ तो रहता ही है, यहाँ पे फील्ड है, ये पैरलर बनाया हुआ है आउटलेट के थ्रू, ये तो पैरलर फील्ड डिच में भी था, लेकिन जो ये आउटलेट जो होता है जहाँ से ये निकलता है स्टीपर साइड स्लोप देन द पैरलर फील्ड डिचेस, हेंस इज नेम इज ओपन। ओपन क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो स्लोप है, जैसे यहाँ पे जो फरो सिस्टम है उनको थोड़ा फिर नीचे बनाया जाता है, नीचे रहता है स्टीपर टाइप का रहता है, कि यहाँ से आराम से वाटर यहाँ से नीचे गिरे उसके बाद ये जाए, स्टीपर बना हुआ रहता है। स्टीपर साइड ऑफ स्लोप के कारण जैसे डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, फिर वहाँ से गिर के वो मेन आउटलेट में जाएगा और फिर आराम से गिर जाएगा, तो इसी स्टीपर के कारण इसको ओपन नाम दे दिया, क्योंकि खुला हो एक तरह से खुला हुआ रहता है, लेकिन और सब केस में वो सेम टाइप ऑफ स्लोप में ही रहता है, कि वो सेम हाइट में रहता है, ये थोड़ा एलिवेटेड में रहेगा जिसके कारण वो स्टीपर साइड रहता है, इसलिए इसका नाम पैरलर ओपन फील्ड डिच कर दिया गया। स्टीपर साइड स्लोप देन द पैरलर फील्ड डिच हेंस इज नेम इज ओपन कॉल्ड डाइवर्जन डिच सिस्टम, और इट इज़ यूज इन बोथ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज। तो ये सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज के लिए दोनों के लिए यूज होता है। फिर आता है ब्रॉडवेड एंड फरो सिस्टम, तो ये नाम से ही पता चल रहा है और फिगर से इजली भी रिकोनाइज हो रहा है कि ये क्या है। फील्ड इज लेड आउट इन टू 120 to 150 सेंटीमीटर विथ, फील्ड को इस टाइप के सब बना दिया जाता है रिजेस को विथ बेड एंड 45 सेंटीमीटर फरो अक्रॉस दिस रोड। 45 सेंटीमीटर का फरो यहाँ पे बन गया स्लोप में, अबाउट 0.5% स्लोप इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री डिस्चार्ज के लिए कर दिया गया। क्रॉप जो सोन होता है बेड में होता है, दो या दो से ज़्यादा रोज ईच, मतलब दो या दो से ज़्यादा रोज का क्रॉप यहाँ पे रेज हो गया बेड, और 15 सेंटीमीटर रेज ऊपर किया जाता है 15 सेंटीमीटर। और ब्रॉड बेड फरो सिस्टम मेथड जो होता है वाइडली प्रैक्टिस कहाँ क्या किस चीज़ में होता है, ग्राउंडनट में होता है, क्ले सॉइल में जब ग्राउंडनट लगाया जाता है तो वहाँ पे ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम को यूज़ किया जाता है। फिर आता है ड्रेनेज ऑफ पॉन्डेड एरिया,
पॉन्डेड एरिया को ड्रेनेज कैसे करते हैं, माइक्रो पॉन्ड्स बना देते हैं या डिप्रेशन कर देते हैं कंस्ट्रक्टेड बाय मीन ऑफ सॉइल चैनल और डी, मतलब कि जो भी लैंड रहता है सेम जैसे यहाँ पे बना दिए ड्रेन्स बनाए और इसको मेन आउटलेट के थ्रू निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे पॉन्डेड एरिया पॉन्ड बना देते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड बना देंगे या सॉलो डीच कर देंगे, नालियाँ टाइप का बना देंगे, खाई बना देंगे, जिसके कारण जो वाटर जो रहता है आराम से रिमूव हो सके मेन आउटलेट के थ्रू। फिर ड्रेनेज और स्लोपी एरिया, जहाँ पे स्लोप 2% से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इंटरसेप्शन सिस्टम या क्लोज स्लोप डी सिस्टम या क्लोज डीचेस बना दिए, नालियाँ बना दिए, खाई बना दिए और उसके बाद मेन लैटरल से फिर उसके बाद मेन सिस्टम में करके उसको आराम से कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, स्लोप जहाँ 2% से ज़्यादा होगा उस एरिया के लिए सुटेबल होगा कि वहाँ पे स्लोप बना के लैटरल में ऐड करके उसको डायरेक्टली मेन से निकाल दिया। फिर होता है सब सरफेस ड्रेनेज, तो ये सब सरफेस ड्रेनेज में क्या हुआ, सरफेस से रिमूवल इस बार नहीं करेंगे, इस बार हम लोग नीचे से रिमूव करेंगे। ये पर्पस इसका जनरली रहता है कि ग्राउंड वाटर जो लेवल होता है बिलो करना रूट जोन से। दीज आर फॉलोइंग मेथड, किस किस मेथड से यूज होता है, इसमें टाइल ड्रेन्स इंक्लूडिंग परफोरेटेड पाइप, ये ऐसा पाइप को यूज़ किया जाता है जिसमें होल्स हो परफोरेटेड पाइप, और टाइल्स ड्रेन्स को यूज किया जाता है। इट हैज़ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टाइल्स ऑफ द पाइप, तो नेचुरल रैंडम में इस टाइप का इसमें अरेंजमेंट होता है कि मेन पाइप रहता है, फिर सब पाइप गया हुआ रहता है, सब पाइप में फिर लेटरल पाइप गया हुआ रहता है। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है सब सरफेस ड्रेनेज के लिए यूज किया जाता है। फिर जैसे हेरिंग बोन टाइप का अगर यूज़ किया जाए तो इसमें कोई सब मेन नहीं रहता है, जैसे मेन आया उसके बाद लेटरल, डायरेक्टली लेटरल में अगर हो जाता है तो इसको हेरिंग बोन टाइप बोलेंगे। फिर ग्रीडॉन टाइप क्या होता है, इसमें टाइल्स अरेंजमेंट एक साइड में होता है कि एक मेन हो गया उसमें एक साइड में अगर वो परफोरेटेड पाइप यूज़ किया गया है कि वहाँ से वो निकल जाए आराम से तो उसमें यूज़ किया जाए। पाइप जैसे कैसे यूज़ करता है परफोरेटेड पाइप, कि अगर जैसे डिफरेंट डिफरेंट पाइप है ज़मीन के अंदर लगा हुआ है उसमें होल्स है, तो जाहिर सा बात है कि जो वाटर जो होता है वो ना कि वो परकोलेट करते हुए वो वाटर कहाँ पे जाएगा, वाटर पाइप में जाएगा और उस पाइप के थ्रू वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो पाइप के एब्जॉर्ब तो नीचे नहीं कर पाएगा पाइप के थ्रू, तो वो पाइप में जाएगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, इसलिए पाइप को यूज़ किया जाता है। फिर कट ऑफ या इंटरसेप्टर्स बोले तो ये जनरली कट करने के लिए यूज होता है, जो सीपेज का मूवमेंट होता है स्लोप में तो उनके लिए बीच में लगा दिया जाता है कि जो प्लेस्ड हो एट अपर द अपर बाउंड एरिया ऑफ द वेटेड एरिया, जहाँ पे भींगा एरिया रहेगा जहाँ पे सीपेज हो रहा है उस जगह पे पाइप को लगा दिया जाए कि उसको वहाँ से पोर्स स्पेस के थ्रू एब्जॉर्ब करे सॉइल को और वहाँ से वाटर का डिस्चार्ज हो सके। फिर मोल ड्रेन क्या होता है, मोल मतलब होता है कि एक शेप का ड्रेन्स बना दिया, एक टाइप का एक शेप में अगर हम लोग नालियाँ बना दे, विच इज़ मेड इन द क्ले सॉइल विद द हेल्प ऑफ मोल फ्लो, मोल फ्लो के थ्रू में हम लोग मोल टाइप का बना दे जो कि एक शेप का होता है, एक बार बनाने पर ये 3 से 5 साल तक ये फंक्शनल रहता है और ये क्ले सॉइल के लिए जनरली सुटेबल होता है। तो एक शेप का बना देते हैं हम लोग उसमें मोल और वहाँ पर वो वाटर को रोक लेता है, जिसके कारण उसको एक्सेस वाटर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। वर्टिकल ड्रेनेज में क्या होता है, इसमें होता है ड्रेनेज बाय वेल, यहाँ पे वेल्स के थ्रू हम लोग ड्रेनेज करते हैं, वेल्स को डिग किया जाता है कि कलेक्ट करे, उसके बाद फिर हम लोग उसको उसके थ्रू आराम से वहाँ से पंप आउट कर देते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं। इसमें वेल के थ्रू कर दिए और यहाँ पे मोल किए, एक शेप का अगर नाली बन रहा है तो उसको मोल बोलते हैं, तो एक शेप का नाली अगर हम लोग बना दे वहाँ पे वाटर को करके निकाले तो उसको मोल ड्रेन बोलेंगे, लेकिन अगर हम लोग कुआँ जैसे वर्टिकल, तो वर्टिकल बना हुआ रहता है तो वर्टिकल सेक्शन में कहीं बना दे वहाँ पे वाटर आ गया फिर उसको पंप आउट करे तो उसको वर्टिकल ड्रेनेज बोलेंगे। फिर आता है डीप ओपन ड्रेनेज, डीप ओपन ड्रेनेज क्या होता है, ये उस जगह पे बनता है जहाँ वाटर कलेक्टेड हो बाय सीपेज के थ्रू और विच ड्रेन आउट फ्रॉम द फील्ड, सीपेज जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है उस जगह पे जहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है उसको निकाल देना, उसको कलेक्शन करना सीपेज वाटर को और फिर उनको निकालना को डीप ओपन ड्रेनेज बोलते हैं। फिर आता है बरी ड्रेनेज, मतलब ये ड्रेनिंग चैनल इज मेड बिलो द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस के नीचे बनाते हैं, आफ्टर मेकिंग इट ड्रेन्स आर फिल्ड विद टायर्स फाइबर्स एंड प्लास्टिक, टायर्स फाइबर और प्लास्टिक्स का नीचे नालियां बना के उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स एंड ओपन ड्रेन्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स बहुत सारे टाइल्स को या ओपन ड्रेन्स को बहुत सारे बना के उसको रिमूव करते हैं। तो ये मेथड था डिफरेंट डिफरेंट मेथड सब सरफेस का ड्रेनेज का, तो सरफेस ड्रेनेज और सब सरफेस ड्रेनेज। तो
इसी के साथ जो चैप्टर 13 होता है खत्म हो गया। थैंक यू।